So good afternoon, all of you. चलो तो आज हम लोग जो टॉपिक करेंगे उसका नाम है डेरिवेटिव. ठीक है, ऑनलाइन में सबको मेरा वॉइस आ रहा है? यस नो, कोई भी प्रॉब्लम होने से प्लीज चैट बॉक्स में बता दीजिएगा. एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आज हम बता देना चाहते हैं कि नेट थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा, तो हो सकता है क्लास बीच में बंद भी करना पड़े, बट ये रिकॉर्डिंग जो है वो आप लोग को मिल जाएगा, क्लास नहीं रुकेगा. बट हो सकता है ऑनलाइन वाले बच्चों को आज लाइव क्लास ना हो. ठीक है, अभी तो चल रहा है बट चालू क्वालिटी का है, कभी भी बंद हो सकता है. ठीक है ना, चलो. सो अभी आईपीएल का फाइनल हुआ था, राइट? सो डेरिवेटिव का जो बेसिक जो सेंस है वो जानने से पहले ये समझ लो कि व्हाट इज अ शेयर. ठीक है, आजकल तुम लोग देखा होगा आई वांट टू गो इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, स्टॉक मार्केट. ठीक है ना, सो दीज आर ऑल बज वर्ड्स, बट पहले बेसिक समझ लेना कि एक जो शेयर होता है, फॉर एग्जाम्पल एसबीआई. ठीक है, एसबीआई का जो प्राइस है दैट इज 820. सो ये 820 रुपए का पहले तो बताओ कि मतलब क्या है. जो ऑनलाइन में कर रहे हैं वो लोग चैट बॉक्स पे रिप्लाई करेंगे, मैं यहां से देख पा रहा हूं, और तुम लोग बताओ कि व्हाट इज दिस 820 रुपीज स्टार्टिंग फ्रॉम यू. क्या लगता है ये 820 रुपए लोग क्यों पे कर रहे हैं? फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा या फिर डिविडेंड मिलेगा? दो दो टाइप का इनफ्लो हो सकता है. एक हो सकता है कंपनी डिविडेंड अनाउंस कर सकती है, और एक हो सकता है कैपिटल एप्रिसिएशन हो सकता है. कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब क्या है? 820 में खरीदा, एक साल के बाद 920 में बेच दिया. ठीक है ना, और क्या हो सकता है बेसिकली? ये 820 क्या है सोचो. ये 820 रुपया क्या बोलता है कि अगर आज हम 820 रुपए में ये शेयर खरीदते हैं, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर बेनिफिट्स, राइट? माने फ्यूचर में जितना भी सारा मेरे को इनफ्लो होगा, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर मैं उनको पुल बैक करूंगा तो मेरा शेयर का प्राइस आता है. हम लोग नॉर्मल में क्या बोलते हैं, आज हम वही प्राइस पे करेंगे और उतना ही दाम मैं दूंगा जब मेरे को लगता है मेरे को फ्यूचर में उससे उतना वैल्यू डिराइव होगा. ठीक है ना, सो शेयर का मार्केट में ट्रेडिंग होता है. दो टाइप का इंडेक्स है जो इंडियन इकोनॉमी को बेसिकली बताता है एज अ होल, विच इज निफ्टी एंड सेंसेक्स. ठीक है ना, सो व्हाट इज दिस निफ्टी? निफ्टी इज अ कलेक्शन ऑफ टॉप 50 स्टॉक्स. एंड जैसे इंडिया में बहुत सारे लिस्टेड कंपनी है, व्हाट इज अ लिस्टेड कंपनी? जैसे मान लो आज मेरा कंपनी है बूटस्ट्रैप कंपनी है. व्हाट इज बूटस्ट्रैप? बूटस्ट्रैप मतलब डे वन से प्रॉफिटेबल है और एक भी रुपए किसी से जीवन में उधार नहीं लिया. एट टाइम्स लिया, फ्रेंड से लिया, फैमिली से लिया, बट मैंने चुका दिया. तो एज अ ओनर मैंने कभी अपने इक्विटी को डायल्यूट नहीं किया. इक्विटी डायल्यूशन मतलब मैंने नहीं बोला कि तू मेरे को 1 करोड़ रुपए दे, मैं तेरे को 5% पार्टनरशिप दूंगा मेरे फर्म के प्रॉफिट्स में. ठीक है ना, सो बेसिकली बूटस्ट्रैप कंपनी क्या होता है? जो एकदम स्टार्टिंग से प्रॉफिटेबल हो, जैसे कि जीरोधा, इट्स अ बूटस्ट्रैप कंपनी, 100% इक्विटी इज ओन्ड बाय द ब्रदर्स. ठीक है ना, उन्होंने कभी भी फंड रेजिंग नहीं किया. ठीक है, अब जैसे क्या होता है, अगर मान लो कंपनी को पैसा चाहिए होता है, आज हर एक चीज के लिए इंसान को पैसा चाहिए होता है. सो जब आपको पैसा चाहिए होगा तो आप क्या करोगे? जैसे मान लो अगर छोटा अमाउंट चाहिए, 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपया, तो आप क्या करोगे? आप अपने फ्रेंड से मांगोगे, आप रिलेटिव से मांग लोगे. बट वेन द अमाउंट इज 50 लैक्स, 1 CR, 10 CR, तो वहां पर दोस्त भी अपना कदम पीछे डालेगा एंड रिलेटिव्स एंड फैमिली मेंबर्स भी अपना कदम पीछे डालेंगे. क्योंकि एक सर्टेन लेवल के बाद अगर बिजनेस को आपको बढ़ाना है, उसको स्केल करना है, तो आपको पैसे का दरकार चाहिए, और वो पैसा आपको पब्लिक ही दे सकती है. सो आपका कंपनी पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी था, अब आप सोचा मैं अपने कंपनी का इनिशियल पब्लिक ऑफर लाऊंगा. सो इनिशियल पब्लिक जो ऑफर होता है वो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा आप फंड रेजिंग के लिए करो. उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपको अपना कंपनी को लिस्ट कराना है. ठीक है, सो बेसिकली
क्या होता है, एक अनलिस्टेड शेयर और एक लिस्टेड शेयर. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसबीआई एंड सीएसके कंपनी का शेयर, चेन्नई सुपर किंग्स. चेन्नई सुपर किंग्स इज अनलिस्टेड, बट उसका शेयर्स आप मार्केट में खरीद सकते हो. जो शेयर अनलिस्टेड होगा उसमें जो बिड आस्क स्प्रेड होगा, बिड आस्क स्प्रेड मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एसबीआई का बाय प्राइस भी 820 है और सेल प्राइस भी 820 है. ठीक है, कहां से जा रहे हैं, उधर से जाओ, रिकॉर्डिंग खराब कर रहा है. अब तुम लोग इधर ही बैठो. ठीक है, रिलैक्स करो, इसको थोड़ा पीछे बैठने दे तो दिखेगा नहीं पीछे वाले लोग को. हाँ लेट आ गए तुम क्लास में, एक सेकंड का डिविएट कर रहा हूं टॉपिक से. हाँ उठ. अच्छा ठीक है, ठीक है, सुनो. सो बेसिकली लिस्टेड वर्सेस अनलिस्टेड, सो अनलिस्टेड कंपनी का शेयर्स में क्या होता है, बिड आस्क स्प्रेड बहुत ज्यादा होगा. क्यों, क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है, मार्केट का डेप्थ नहीं है. एसबीआई में क्या हो रहा है, जो ट्रेडिंग हो रहा है वो करोड़ में हो रहा है, वॉल्यूम है, सब लोग खरीदा बेची कर रहे हैं. बट जो सीएसके कंपनी का शेयर्स होगा क्या होगा उसमें, फॉर एग्जाम्पल कोट हुआ 200 रुपया, एक शेयर का दाम कोट हुआ 200 रुपया, तुम बाय करने जाओ, तुम 210 से, फॉर एग्जाम्पल तुम 210 से नीचे में खरीद नहीं पाएगा. यही तुम सेल करने जाओ, तुम 190 से ऊपर में बेच नहीं पाएगा. सो ये जो 20 रुपया है ये बिड आस्क स्प्रेड है, समझा. मार्केट में चल रहा है 200 रुपया दाम, तुम खरीदने जाएगा ना 210 से नीचे तुमको मिलेगा नहीं, तुम बेचने जाएगा 190 से ऊपर तुमको देगा नहीं कोई. क्यों, क्योंकि इनलिक्विड काउंटर है. अब इसमें क्या होगा, हम तुमको बोला तुम खरीदेगा, तुम उसको बोला तुम खरीद, वैसे जो चेन होता है उसमें सब लोग पैसा थोड़ा 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 कमाता है, समझ गया ना. बट ये क्या है, ये रेगुलेटेड है, ठीक है ना. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कलकत्ता में भी एक है कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, एक्सचेंज तो रहा नहीं, उसके बगल में एक चाय का दुकान खुल गया, दैट इज कोना दुकान. ठीक है, वो कोना पे है इसलिए उसका नाम है कोना दुकान. एक शंभू चाय वाला भी वहां पर है, ठीक है ना. सो यही है कलकत्ता का हाल एक्चुअल में, ठीक है ना. सो बेसिकली अभी क्या होता है, अनलिस्टेड में प्रॉब्लम क्या है, लिक्विडिटी नहीं है, ठीक है ना. सो बहुत सारा जगह में आपको अगर कुछ बड़े लेवल पे करना है तो आपको अपना आईपीओ लाना पड़ता है, ठीक है ना. आपको मोस्टली लोग क्या करते हैं, आईपीओ लाने से क्या होता है, जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको एक एग्जिट रूट मिलता है. मान लो मैंने एकदम स्टार्टिंग में किसी कंपनी में पैसा लगाया, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मैं 5 साल उसमें इन्वेस्टेड रहा, अब मेरे को अपना पैसा निकालना है. सो बेसिकली क्या होता है, कंपनी जब आईपीओ लाता है अपना, सो बेसिकली दैट गिव्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अ इजी रूट टू एग्जिट फ्रॉम दैट फर्म, ठीक है. सो क्या होता है, कंपनी का एक प्राइस बैंड फिक्स होता है. व्हाट इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स लोग क्या करते हैं, आज तक कभी किसी ने सुना है वो लोग क्या काम करते हैं, वो लोग ये सारा काम करते हैं. पहले वो लोग कंपनी का बुक बिल्डिंग करते हैं, बुक बिल्डिंग मतलब जैसे सारा पूरा इन्फॉर्मेशन लेगा, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन लेगा, उसके हिसाब से कंपनी का एक पूरा प्रोस्पेक्टस बनता है, और उसके हिसाब से कंपनी का सारा वैल्यूएशन करके कंपनी का एक प्राइस बैंड बनता है कि आप इस दाम में अपने शेयर को लॉन्च कर सकते हो, ठीक है. अब आईपीओ जब कंपनी का आएगा तो बेसिकली पहले सारा क्या होता है, लोग पैसा लगाते हैं, कंपनी का फंडामेंटल्स चेक करते हैं, ठीक है ना. फिर उसके हिसाब से जितना टाइम सब्सक्राइब होता है उसके हिसाब से जब लिस्टिंग होता है तो हो सकता है बहुत ज्यादा बंपर लिस्टिंग हो, अपर सर्किट हो सकता है नॉर्मल लिस्टिंग हो, उस तरीके से लिस्टिंग गेन्स में बहुत लोग क्या होता है, लिस्टिंग में शेयर बेच देते हैं, बहुत लोग क्या होता है कुछ टाइम के लिए शेयर को रख लेते हैं, ठीक है. सो इंडिया में अगर आप देखोगे रिटेल इन्वेस्टर्स का जो लॉट है दैट इज 15,000 का लॉट, मतलब एक अगर मान लो एक रिटेल इन्वेस्टर को पैसा लगाना है कोई भी आईपीओ में तो 15,000 के आसपास का लॉट होता है, आप पैसा लगा सकते हो उसमें, ठीक है ना. आईपीओ से क्या होता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स लोग को एक रूट मिलता है. जो आपको फंड रेजिंग करना था, फॉर एग्जाम्पल कंपनी प्लानिंग टू रेज 1,000 करोड़, तो क्या होता है लोग पैसा लगाते हैं उस कंपनी में बेस्ड ऑन द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी. कंपनी का अगर फंडामेंटल अच्छा होगा तो लोग उस कंपनी में फिर पैसा लगाते हैं, ठीक है. सो कंपनी का रिक्वायरमेंट पूरा हो गया. और अगर मान लो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा फंड रेजिंग के लिए ही मतलब आपको आईपीओ लाना है, आप अपने कंपनी को लिस्ट कराना चाहते हो. लिस्ट कराने का मतलब क्या है, अब आपका जो शेयर्स है वो मार्केट में फ्रीली ट्रेड होगा, ठीक है ना. सो बेसिकली दीज आर सम ऑफ द बेसिक थिंग्स. अभी जैसे एक और कंपनी का एफपीओ आया था, व्हाट इज एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है ना. सो वोडाफोन कंपनी का एक एफपीओ आया था, कंपनी को और पैसा रेस करना है,
ठीक है ना, जो रामदेव बाबा का जो कंपनी है उसका भी एक एफपीओ, तो बेसिकली क्या होता है, कंपनी को लगता है मेरे को थोड़ा और पैसा रेस करना है, ठीक है ना, तो कंपनी एक एफपीओ लाता है। सो बेसिकली दीज आर सम ऑफ द बेसिक टर्मिनोलॉजीज। एक होता है जैसे अब मैं क्या करता हूं ना, मैं 15,000 वाले कैटेगरी में इन्वेस्ट नहीं करता हूं, आई एम अ रिच मैन, सो मैं 2,00,000 वाले कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करता हूं, क्योंकि 15,000 में लगाऊंगा उसमें मान लो 5,000 रुपए मेरे को आएगा, मान लो कंपनी का 25% लिस्टिंग गेन हुआ तो 15,000 का 10% 15% 5,000 मेरा एक घंटे का खर्चा है यार, तो क्या कुछ फायदा नहीं होता है। कुछ अच्छे से लगाऊं, 2,00,000 रुपए लगाऊं, 3,00,000 लगाऊं, 5,00,000, तो कुछ ऐसा लगता है आया है पैसा, ठीक है। सो बेसिकली दो टाइप का कोटा होता है, तुम लोग चाहो तो तुम लोग 2,00,000 वाले कोटा में भी लगा सकते हो, या फिर तुम लोग 15,000 वाले कोटा में भी पैसा अपना लगा सकते हो, ठीक है ना। सो इस तरीके से होता है। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक्स। अभी आईपीएल का एक मैच चल रहा था, तुम लोग सुनते चलो, ठीक है। आईपीएल का फाइनल किस किसके बीच में हुआ, केकेआर हुआ और एसआरएच के बीच में हुआ। स्टार्टिंग में क्या हुआ बताओ, बैटिंग कौन किया, केकेआर बैटिंग किया, कौन सा आईपीएल देख लिया भाई, कौन बैटिंग कौन किया बताओ, एसआरएच बैटिंग किया, एसआरएच का बैटिंग लाइनअप देखा है, हाँ कौन कौन है बोलो तो, स्कूटी किसका है तू बता देगा, कहां लगा है स्कूटी, इस तरफ, जल्दी दो, फ्लाइट नहीं था ये, इसके बाबा पायलट है इसलिए पायलट जोक मारा उसको, ठीक है। सुनो, एसआरएच का बैटिंग लाइनअप देखा है तुम लोग, सर इसके लिए थोड़ी ना इतना रुपए दिए, काम पे काम का, काम की बात कर रहे हैं। सबसे पहले कौन, हेड, फिर उसके बाद कौन, शर्मा, समझ रहा है, क्लासेन, मार्कम, कॉमिंस, सब बैटिंग में है लोग का, क्या लगा था सबको बताओ, क्या लगा था, तुम तो बॉम्बे से है, तुम बताओ क्या लगा था तुमको, 200+, ये बोला 200+, सबको मैं भी यही लगाया था, मैं भी यही सोचा था कि 200+ मारेगा उस दिन, क्या मारा वो छोड़ दो, ठीक है, हमको लगा 278 भी मारा है, 280 कितना हाईस्ट कितना मारा था, 287 तक भी मारा है, ठीक है, हम और आंसू, ठीक है, आंसू आओ इधर आओ, जल्दी आओ इधर आओ, आंसू डाई हार्ट फैन ऑफ कोलकाता नाइट राइडर्स, कोई बोलो वो जीत बोल रहे, ठीक है, ये आंसू है, सब लोग देखिए आंसू है, ठीक है, हम और आंसू, आंसू इधर आओ, हम आंसू को क्या बोले, आंसू एसआरएच मारेगा 200+, ये बोला सर गधा है, ठीक है, 200 तो कोई हालत में नहीं मारेगा, 140 150 मारेगा, हम आंसू को बोले, आंसू 200 के ऊपर जितना मारेगा, मेरा था अप, आंसू का था डाउन, 200 के ऊपर जितना मारेगा हर एक रन का मेरे को 1,00,000 रुपए देगा। आंसू के पास तो इतना पैसा था नहीं, आंसू पहले पापा को फोन मिलाया, बोला पापा सियोर्स और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ये कर लूं क्या, पापा बोले कर ले, ठीक है, तो हर एक रन, समझ रहे ना, हम बोले हर एक रन जो एक्स्ट्रा मारेगा मेरे को 1,00,000 रुपए चाहिए, और हर एक रन जो नीचे का होगा हम तुमको 1,00,000 रुपए देंगे। वी एंटर्ड इनटू अ सट्टाबाजी वाला कॉन्ट्रैक्ट। अपसाइड किसका है, मेरा है, डाउनसाइड किसका है, हमको क्या लगा मिचेल स्टार्क ऐसी फालतू, ठीक है, कर दिया वर्ल्ड कप वाला बॉलिंग उसने, ठीक है, टोटल कितना बना, 113, जीता कौन, आंसू जीत गया, कितना, 87 × 1,00,000। अब आंसू मेरे से पाएगा, ठीक है, यही मान लो जो एक बार मारा था हेड और अभिषेक शर्मा, यही मान लो अगर बना था 280 तो हमको कितना मिलता, 80,00,000, समझा, जाइए आंसू बैठिए, ये हाइपोथेटिकल है, रुपया तो ले गया नहीं मिलेगा, ठीक है ना। सो ये क्या हुआ, हम किए थे अपसाइड बेटिंग, आंसू किया था डाउनसाइड बेटिंग, जो नॉर्मल जो बेटिंग होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि एसआरएच
सनराइजर हैदराबाद कितना रन बनाएगा, ये सर्टेन है कि अनसर्टेन है? अनसर्टेन है, तो अनसर्टेन है इसीलिए बोल के हम लोग एक सट्टाबाजी में एंटर किया, हम लोग एक डेरिवेटिव में एंटर किया जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर ऑब्लिक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कुछ लिखना नहीं, ध्यान सुनो, फ्यूचर ऑब्लिक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कि 200 के ऊपर जितना रन बनेगा हर एक रन का 1,00,000 रुपया हमको चाहिए, और 200 के नीचे जितना बनेगा हर एक रन का हम तुमको 1,00,000 रुपया देंगे। ऑपोजिट माइंड होना जरूरी है, हमको लगा एसआरए 200 के ऊपर बनाएगा, उसको लगा एसआरए 200 के नीचे बनाएगा। दिस इज फॉरवर्ड ऑब्लिक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो हम क्या किया था, हम क्या किया था, 200 का जो प्राइस है इस पे हम क्या किया था, एफ प्लस, मतलब हम क्या किया, अपसाइड बेटिंग, मतलब एफ प्लस। यहीं पर आंसू क्या किया, एफ माइनस। ठीक है ना, सो नॉर्मल कैलकुलेशन क्या है, अगर मान लो स्कोर होता 260 तो हमको कितना मिलता, 1,00,000 इंटू 60, यही स्कोर होता 140 तो हमको देना कितना पड़ता, 1,00,000 इंटू 60। समझ रहे ना बेसिक, ठीक है ना, ये एकदम बेसिक फॉरवर्ड ऑब्लिक फ्यूचर है। अब सोचो ये तो सट्टाबाजी है, ठीक है, एक्चुअल में सर ये तो फाइनेंस का कॉन्सेप्ट है डेरिवेटिव, तो कोई यूज वाला चीज के लिए बताइए। जैसे मेरे को एक स्टूडेंट बोला, बोला सर ये आपका 31,000, यूएस में पढ़ता है वो, यूएस में, बोला सर 31,800 आई डोंट अंडरस्टैंड, टेल मी इन डॉलर। तो हम क्या किए, पहले 31,800 में पेपल का चार्ज को इंक्लूड कर दिए, 1.1 से मल्टीप्लाई कर दिए, 10% चार्ज लगता है, ठीक है, जो भी आया, बोला सर टेल मी ऑल पेपर फीस आई विल पे इन वंस। ठीक है, कुछ ऐसे करके हिसाब निकल के आया, हिसाब देख के घबराना मत, ऐसे कुछ करके हिसाब निकल के आया $1,00,000 का, ठीक है, मोटा मोटी 85,00,000 रुपया होता है। ठीक है, हम बोले आई विल टीच यू पर्सनल, ठीक है, सो $1,00,000, बोला सर आई विल नॉट पे नाउ, आई विल पे आफ्टर 3 months, 3 महीना बाद, ठीक है, 3 महीना बाद बोला सर आई विल पे यू $1,00,000, ठीक है, आप मेरा क्लास चालू करवा दीजिए, आफ्टर 3 months आई एम गोइंग टू पे यू $1,00,000। तो मेरे को क्या मिलेगा, डॉलर। हम रहते कहां पर है, इंडिया में रहते हैं, मेरे को डर किस चीज का लगेगा। आज के दिन में मतलब स्पॉट चल रहा है, स्पॉट चल रहा है 86 का स्पॉट चल रहा है, मेरे को डर किस चीज का लगेगा, कहीं ये 86 90 ना हो जाए कि 80 ना हो जाए, 80 ना हो जाए, क्योंकि हम तो रियलाइज करेंगे उसको। हम गया बैंक के पास, हम गया आईसीआईसीआई बैंक के पास, ठीक है ना, हम बोला बैंक जी 3 महीना के बाद में हम आपको $1,00,000 देंगे, चलो रेट आज ही फिक्स कर लेते हैं, ठीक है, चलो रेट आज ही फिक्स कर लेते हैं। तो रेट फिक्स हुआ जाके 88 पे, ठीक है, तो मेरा INR में टोटल रिसीवेबल फिक्स हो गया, यस और नो, ठीक है, सो आई एंटर्ड इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। जब हम किसी के साथ करेंगे, मतलब कोई एक आदमी, तो वो हो गया फॉरवर्ड। जब एक्सचेंज पे करेंगे, NSE BSE पे करेंगे, दैट इज अ फ्यूचर। क्या चीज पे, कब करेंगे, कितना क्वांटिटी करेंगे, सारा चीज का रेट आज ही फिक्स हो जाएगा, समझा। अब ये 88 हो गया, ठीक है, लो अब कंपनी का मालिक हमने, कंपनी का मालिक है मेरा बड़ा भाई, ठीक है, भैया अभी बॉम्बे गए हुए हैं ड्यू टू सम पर्सनल कमिटमेंट, तो ये 88 पे मैंने तो एंटर कर लिया, ठीक है। अब 3 महीना बाद हुआ क्या, सुनो, स्पॉट चल रहा था 86, ठीक है, हम बैंक जी के संग में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इसके रिलेटेड भैया से कभी मेरा बात नहीं हुआ, भैया आए ऑफिस में, स्पॉट हम रियलाइज कराने जा ही रहे थे, भैया हमको बोले उस दिन का रेट जो स्पॉट चल रहा था, स्पॉट आफ्टर 3 months जो रेट चल रहा था 90, ठीक है, पता है हम बैंक से आ रहे थे बैग में 88 लाख रुपीज लेके, भैया पता है क्या बोले, नुकसान करा दिया 2 लाख रुपए का, नुकसान करा दिया 2 लाख रुपए का तुम मेरा। हम बोले मतलब, बोले अगर तुम इस पोजीशन को अनहेज छोड़ता, हेज मतलब क्या, अपना रिस्क को कम करना, ठीक है, बोला अगर तुम इस पोजीशन को नेकेड छोड़ता तो आज 2 लाख रुपया बैग में ज्यादा होता, ठीक है, हम भी पढ़ा लिखा कम नहीं है। हम भैया को क्या बोला, बोला भैया यही अगर मान लीजिए ये 80 हो जाता तो फिर,
तब? तो वे बोले क्या हो सकता था वो छोड़ो, क्या हुआ है उसका बात करो। तो कंपनी में रिस्क मैनेजमेंट हमेशा डिफाइन होना चाहिए कि आप क्या रिस्क को, आई गेस द ऑनलाइन मीटिंग हैज स्टॉप्ड ड्यू टू इंटरनेट, एक सेकेंड। ठीक है, सो यहां पर कंपनी में हम लोग का कंपनी में कभी बात ही नहीं हुआ इस चीज को लेके कि फॉरेन में जो भी यूके से पैसा आएगा, ठीक है ना, चाइना से जो पैसा आएगा, यूएस से जो पैसा आएगा, उसका क्या करना है, वो रिस्क को एक्सेप्ट करना है कि वो रिस्क को हेज करना है। तो कंपनी में रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी एकदम क्लियर डिफाइंड होना चाहिए कि आप कौन सा रिस्क को रखेंगे, कौन सा रिस्क को आप ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, हम एक्सचेंज रेट पूरे दिन बैठ के देखता नहीं है कि कब बढ़ेगा कब घटेगा, मेरा काम क्या है, पढ़ाना। मैंने क्या किया, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेस, मेरे को डॉलर रिसीवेबल था, मेरा मेन काम क्या है, पढ़ाना। हो सकता है आज 90 हो जाता बट कल को मेरे को उसमें नुकसान होता, कभी ना कभी तो नुकसान होता, बिकॉज मैं बार बार वो पोजीशन को अनहेज छोड़ रहा था। ठीक है, सो कंपनी का मेन काम क्या है, कंपनी का मेन काम है जो वो कर रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो जो भी आ रहा है मैंने अपना पोजीशन को हेज कर लिया। कंपनी में पता रहता है कि कौन सा पोजीशन को हेज करना है, कौन सा को छोड़ना है, कितना करना है। ऐसा हो सकता था $1,00,000 रिसीवेबल था, मेरे को करना था $30,000 के लिए, मैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूं $70,000 का रिस्क, समझा। तो कितना करना है, तो वो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर में आता है पूरा चीज। ठीक है, एक और एग्जांपल, अभी कलकत्ता में इतना गर्मी पड़ रहा है, ठीक है ना, गर्मी पड़ रहा है, एसी कंपनी के बारे में सोचा है कभी, कलकत्ता में कितना टेम्परेचर है आज, ऑन एवरेज अगर तुम देखेगा 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मेरा एक एसी कंपनी है पोलटॉस, ठीक है, ये मेरा एसी कंपनी है। अब मेरे को डर किस चीज का रहेगा बताओ, अगर ये टेम्परेचर ज्यादा नहीं हुआ तो मेरा डर है, चीज समझो, मेरे को एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स कब होगा, जब ये 40, 45, 50, 55 हो जाए, राइट। मेरे को डर किस चीज का है, कहीं ये कम ना हो जाए, ठीक है ना। हम कॉन्ट्रैक्ट किया, हम क्या कॉन्ट्रैक्ट किया, हम बोला हर एक डिग्री नीचे के लिए, हम पहले कुछ कैलकुलेट किया अपना बिजनेस में कि एक डिग्री अगर नीचे होता है ऑन एवरेज, मान लो मंथली एवरेज वीकली एवरेज, एक डिग्री अगर नीचे होता है तो मेरे को ₹1 करोड़ का नुकसान होता है मेरा बिजनेस प्रॉफिट में। ठीक है, हम बोला एक डिग्री अगर नीचे होगा तो हमको ₹1 करोड़ चाहिए, ठीक है, एक डिग्री अगर ऊपर होगा तो हम तुमको ₹1 करोड़ देंगे। ठीक है, मान लेते हैं अब की बार एवरेज में टेम्परेचर आया 35 डिग्री सेल्सियस, हम जीत गया। किस में जीता, हम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में जीता। हम क्या बोला, एक डिग्री नीचे होने से ₹1 करोड़ मेरे को चाहिए, तो 5 डिग्री नीचे है कितना मिलेगा मेरे को, बट मेरा बिजनेस में नुकसान हुआ होगा ना, तो वहां से ये ऑफसेट हो गया, वहां पर मेरे को नुकसान हुआ होगा। मैंने बोला मैंने कुछ कैलकुलेट किया था, कुछ कैलकुलेट करके मैं निकाला कि अगर एक डिग्री नीचे होता है तो मेरे को ₹1 करोड़ का बिजनेस में नुकसान होता है, तो 5 करोड़ का बिजनेस का नुकसान 5 करोड़ का डेरिवेटिव का प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ हो गया, क्योंकि मेरा एक ऑलरेडी एक एक्सपोजर था टेम्परेचर पे, बिकॉज मेरा कंपनी है कोल्टास, मेरा ऑलरेडी एक टेम्परेचर पे एक्सपोजर था, तब मैं डेरिवेटिव में एंटर किया। मतलब मैं एंटर कर रहा हूं क्या करने के लिए, हेज करने के लिए। अगर मान लो ऐसी मेरे को लगता है आपकी बात बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगा, उसको बोलते हैं सट्टाबाजी, स्पेक्यूलेशन। मेरा अगर एक्सपोजर है वो एक्सपोजर को काटने के लिए, कम करने के लिए मैं डेरिवेटिव में एंटर कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है, दैट इज हेजिंग। जो मैंने आशु के संग में किया दैट इज सट्टाबाजी, स्पेक्यूलेशन, दोनों के जो डिफरेंस है। ठीक है, एक और देखो, जैसे मान लो एक वीट फार्मर है, ठीक है, वीट फार्मर 1000 kgs ऑफ वीट, ठीक है, 1000 kgs ऑफ वीट अब की बार प्रोड्यूस करेगा, उसका एक सीजन होता है ना, उतना देखो एग्रीकल्चर का मेरे को आइडिया है नहीं, बट एक सीजन होता है इसका जब सारा वो फसल वसल आता है। ठीक है, तो 1000 kgs इज द एस्टिमेट, उसको डर किस चीज का लगेगा, हाँ बोलो। मान लो अभी स्पॉट चल रहा है कितना, मैं कभी गया नहीं, 40 per kg, ठीक है, 40 per kg चल रहा है, डर किस चीज का रहेगा,
अच्छा वीट फार्मर से खरीदेगा कौन? बेकरी, ठीक है ना। देखा फूड फार्मर आजकल क्या बोल रहे हो, पहले लेबल पढ़ के खरीदिए, ठीक है ना, मैदा मत खाइए। सो बेकरी बोला अब से मैदा का नहीं बनाएंगे केक, अब से हम आटा का केक बनाएंगे, ठीक है। सो बेकरी एंड वीट फार्मर, ठीक है। वीट फार्मर को क्या चीज का डर है? कहीं दाम गिर ना जाए। बेकरी को किस चीज का डर है? कहीं दाम बढ़ ना जाए। दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, दिस इज ओवर द काउंटर, दो जन कॉन्ट्रैक्ट किया मतलब ओवर द काउंटर, ठीक है। फॉरवर्ड, फ्यूचर कब बोलेंगे? जब एक्सचेंज पे होगा, एक्सचेंज के साथ होगा। मैं एक्सचेंज के साथ कर रहा हूं फ्यूचर, मैं एक आदमी के साथ में कर रहा हूं दिस इज फॉरवर्ड। बेसिक डिफरेंस यही है, ठीक है। दिस इज ओवर द काउंटर, एक आदमी के साथ कर रहा हूं ओवर द काउंटर। इसमें चोरी चमारी हो सकता है, क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए कितना पैसा चाहिए? जीरो। अभी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए कितना पैसा चाहिए? जीरो, ठीक है ना। ध्यान से सुनते जाओ, 40 पर केजी इज द स्पॉट, ये बोला तीन महीना बाद 1000 किलो हम तुमको बेचेंगे, चलो रेट आज ही फिक्स कर लेते हैं। रेट फिक्स हुआ 41.5, ठीक है। अब ये भी चैन का नींद सोएगा और ये भी चैन का नींद सोएगा, समझा ना। इसका मेन काम क्या था? इसका रेट को प्रेडिक्ट करना नहीं था, इसके लिए स्पेशलाइज्ड कंपनीज है, जेपी मॉर्गन चेस, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन, समझ रहे हैं, ये सब जो कंपनीज है ये करती है फोरकास्टिंग कि कमोडिटी का प्राइस क्या होगा, तुम्हारा एसेट का प्राइस, ये फोरकास्टिंग का काम एक किसान का थोड़ी है, ठीक है ना। तो उसका रेट फिक्स हो गया, मतलब इसका बेसिकली जो इनफ्लो है वो फिक्स हो गया, बेकरी कंपनी का जो आउटफ्लो है वो भी फिक्स हो गया। सो बेसिकली क्यों, इसको क्या बोलेंगे, स्पेक्यूलेशन ना हेजिंग, पहले ये बताओ। हेजिंग, क्योंकि दोनों का ही ऑलरेडी एक एक्सपोजर था, इसमें अल्टीमेटली हुआ क्या, कोई बता सकता है एग्जैक्ट वर्ड? रिस्क हैज ट्रांसफर्ड, बेसिकली क्या हो रहा है, दोनों का ही एक रिस्क था, अब वो रिस्क क्या हो गया, कम हो गया बाय एंटरिंग इनटू अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। पूरा इकोनॉमी में जब आप देखोगे होलसम रिस्क ट्रांसफर हो रहा है, मतलब रिस्क ट्रांसफर हो रहा है ताकि सबका भला हो रहा है, ठीक है ना, उसको हम लोग हेजिंग बोलेंगे। मतलब मेरा ऑलरेडी एक्सपोजर था, उस एक्सपोजर को मेरे को कम करना है, तो कम करने के लिए मैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज डेरिवेटिव? डेरिवेटिव इज समथिंग विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम सम अंडरलाइंग एसेट। चालू करें, नेट आ गया क्या? ये वाला है क्या? तो बीच में कटा क्यों फिर ये? हाँ वो ऑटोमेटिक कट गया था एक्चुअली, ठीक है। अभी आप लोग सुनिए, देखिए क्योंकि आज इंटरनेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो ये वाला वीडियो मैं आज ही डाल दूंगा क्लास के बाद, ठीक है ना। सो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगा, आप लोग यहां से सुनते जाइए। कल से ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, आज थोड़ा सा यहां पर रेमल साइक्लोन की वजह से थोड़ा सा इंटरनेट में प्रॉब्लम है, ठीक है। सो रेट हमारा फिक्स हुआ 41.5, ठीक है। सो 41.5 में क्या हुआ, अब इससे फ्यूचर या फिर फॉरवर्ड से क्या हो, ऐसा हो सकता है कि 41.5 का जो रेट फिक्स हुआ है, 41.5 का जो रेट फिक्स हुआ है, ये तीन महीना के बाद में जो स्पॉट होगा वो हो सकता था 43 हो जाए, या फिर हो सकता था 39 हो जाए, बट इससे मेरा मतलब नहीं है। तीन महीना बाद अब स्पॉट रेट क्या होगा, मेरे को उससे मतलब नहीं है। मैंने डेरिवेटिव में एंटर किया, अब मेरा जो इनफ्लो या फिर आउटफ्लो वो अब फिक्स हो गया। दिस इज द मेन पर्पज ऑफ एंटरिंग इन टू अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव इज समथिंग विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम सम अंडरलाइंग एसेट, ठीक है ना, फ्रॉम सम अंडरलाइंग एसेट। सो अंडरलाइंग जो एसेट है वो कुछ भी हो सकता है, वो कमोडिटी हो सकता है, वो गोल्ड हो सकता है, वो सिल्वर हो सकता है, वो इंटरेस्ट रेट हो सकता है, ठीक है ना। जैसे मान लो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग लेंगे एग्जाम्पल इंडिगो का, ठीक है। तुमको क्या लगता है एक फ्लाइट में सबसे ज्यादा एक्सपेंस क्या चीज का होता है? फ्यूएल का, ठीक है। चलो तो फ्यूएल होता है, तो मान लो ये जो फ्यूएल है इंडिगो, जैसे मान लो डॉलर्स पर बैरल ऐसे करके होता है, मान लेते हैं $100 पर बैरल, ठीक है, ऐसा कुछ रेट है, बस समझ लो, अज्यूम कर लो, ठीक है, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता है, $100 पर बैरल ये स्पॉट चल रहा है।
ये स्पॉट चल रहा है, ठीक है। अब इंडिगो कंपनी को क्या चीज का डर लगेगा बताओ? हाँ, कोई भी मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट हुआ, जैसे मान लो जहां से तेल खरीद रहे, रशिया से तेल खरीद रहे हैं, दुबई से खरीद, कहीं से भी खरीद रहे, मेरे को नहीं पता कहां से खरीदता है लोग, ठीक है। तो कहीं से भी खरीद रहे, मेरा उससे झगड़ा हो गया, वो बोला 200 में देंगे, लेना है तो बोल, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है ना, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इंडिगो कंपनी को क्या चीज का डर है? हाँ, क्या चीज का डर है? कहीं ये जो कॉस्ट, क्योंकि उसका जो सबसे बड़ा कॉस्ट क्या है, फ्यूल का कॉस्ट है। अब वो बोलेगा मेरे को डर किस चीज का है, कि कहीं ये ऑयल का दाम बढ़ ना जाए। तो वो क्या बोला, क्या बोला कि हम तुमसे इतना बैरल्स खरीदेंगे, चलो आज ही रेट फिक्स कर लेते हैं, ठीक है ना। तो रेट फिक्स हुआ, $110 पे रेट फिक्स हुआ, ठीक है ना। अब इंडिगो कंपनी क्या एकदम शांति से सोएगा, उसका प्राइसेस भी फ्लक्चुएट नहीं करेगा, तुम समझ रहे? तुम अभी देखा रेट हो गया 1500, फिर तुम देखा रेट हो गया 2500, क्यों? बोला एयरलाइन का फ्यूल का कॉस्ट बढ़ गया, ऐसा नहीं होता है। तो बेसिकली एवरी पोजिशन इज हेज्ड। मेन काम क्या है इंडिगो कंपनी का? प्लेन उड़ाना, प्लेन उड़ाना मेन काम है, ऑयल प्राइसेस को प्रेडिक्ट करना मेन काम नहीं है, चीज समझो, ठीक है। एक सीमेंट कंपनी है, सीमेंट कंपनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं सीमेंट, ठीक है ना। इंडिया में एक्सपोर्ट बिजनेस इतना अच्छा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए हैं, तुमको भी चीज एक्सपोर्ट कर रहा है, तुमको फॉरेन करेंसी में पेमेंट आएगा। अब तुमको डर किस चीज का है कि कहीं भाई रेट गिर ना जाए, समझ रहे ना बात को? कहीं भाई आज तुम लोग IFOA का एग्जाम है, ठीक है, आज IFOA का एग्जाम है, 4 महीना बाद कोई स्टूडेंट बोला कि हम 3 पेपर देंगे, तीनों पेपर का मिलाया टोटल कॉस्ट आ रहा था तुम्हारा समझ लो £900, ठीक है ना, £900 तीन पेपर का मिला के। तो ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, £900 का पेमेंट है। तो आप जैसे मान लो उसका एक्सपोजर है, तो वो क्या करेगा, एक महीने के लिए विंडो खुला हुआ है, या तो वो देखेगा इस दिन, वो क्या कर सकता है, वो बोल सकता है कि चलो भाई मेरे को £900 खरीदना है, चार महीना बाद, चलो रेट आज ही फिक्स कर लेते हैं। मान लेते स्पॉट चल रहा था 99, वो फिक्स कर लिया रेट 101, ठीक, समझ रहे ना। जहां पर तुम्हारा एक्सपोजर है वहां पर तुम क्या करो, उसको एलिमिनेट या फिर ट्रांसफर या फिर कम करने का ट्राई करे, दैट इज हेजिंग। एंड सट्टाबाजी, तुम्हारा कोई एक्सपोजर नहीं है, तुम बस खाली प्योरली बेस्ड ऑन प्राइस बिलीफ, तुमको लगता है ये सस्ता है, आगे जाके दाम बढ़ेगा तो तुम उसको खरीद लिया, दैट इज स्पेक्यूलेशन, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स कम अंडर फॉरवर्ड एंड फ्यूचर। अब एक बेसिक डिफरेंस समझ लेना, कुछ कॉपी मत करो, ठीक है, मैं दे दूंगा PDF, फ्यूचर और यहां पर मेरा आएगा फॉरवर्ड, ठीक है। एक बेसिक डिफरेंस हम लोग समझते हैं, ठीक है, क्या क्या लगता है, क्या फर्क होगा, यहां से चालू करेंगे। ऑनलाइन में रियली सॉरी, आज थोड़ा सा नेट फ्लक्चुएट कर, अभी सबको मेरा वॉइस आ रहा है, ठीक है, आई हैव टेकन जस्ट एग्जांपल्स, अभी सबको मेरा वॉइस आ रहा है, ओके, ये वाला वीडियो मैं आज ही डाल दूंगा, ठीक है, आओ। सो एक बेसिक डिफरेंस फ्यूचर और फॉरवर्ड के बीच में क्या हो सकता है, सोच के देखो। फॉरवर्ड इज वॉट, ओवर द काउंटर, फॉरवर्ड इज वॉट, ओवर द काउंटर, ये क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड है, एक्सचेंज ट्रेडेड है, ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड है। फॉरवर्ड में क्या काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क होगा? द आंसर इज येस, क्योंकि वेन यू एंटर इन टू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली आज तुमने सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। कोई भी चीज खरीदने का ना पैसा लगता है, ठीक है, तुम खाली मुंह से निकाल दिया, जबान देने का कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है ना। सो फॉरवर्ड में तुम क्या दिया, पैसा दिया ना, जबान दिया, तुम अपना जबान दिया, तो उसके लिए कोई भी पैसा भी देने का दरकार नहीं है। सो बेसिकली फॉरवर्ड में तुम बोला 3 महीना बाद हम तुमको इतना डॉलर बेचेंगे, या फिर हम तुमसे इतना डॉलर खरीदेंगे, कुछ भी। अगर इंपोर्ट किया यूएस से तो डॉलर क्या करेगा, अगर इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट किया मतलब पैसा देना है, किसमें देना है, डॉलर में देना है, मतलब डॉलर क्या करेगा, बाय। अगर एक्सपोर्ट किया यूएस में तो क्या करेगा, डॉलर सेल, क्योंकि डॉलर तुमको मिलेगा, तुमको INR में कन्वर्ट उसको करना है, ठीक है। सो बेसिकली यहां पर तुम्हारा, मान लो वो स्टूडेंट हमको बोला आई डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है, एक बार एक बहुत पहले का बच्चा है, तो वो आया था यहां पर, वो आया था यूके से, तो आया था मई का महीना था, तो हमको बोला आई हैव कम हियर फॉर समर वेकेशन, बोला तुम यहां पर कभी भी आओ, यहां पर तुमको हमेशा समर मिलेगा। तो वही मतलब वो आया, जैसे मतलब ऐसा हो ही सकता है, बोला हमको आपसे नहीं पढ़ना है, बोला मैं पहले कहीं और गया था, दैट गाय जस्ट स्ट्रेस मी आउट, मैं बोला हम, बोला हाँ यू आर ओके, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड में क्या हो सकता है, काउंटर पार्टी रिस्क हो सकता है। काउंटर पार्टी रिस्क मतलब सामने वाला मुकर सकता है, बिकॉज देयर इज नो क्वेश्चन, नो मार्जिन,
सामने वाला यहां पर वो कर सकता है, बट यहां पर पता है क्या नियम है, पहले पैसा रखिए, पहले डीमैट में पैसे डालिए। 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, तो फॉरवर्ड फ्यूचर में लोग क्यों एंटर करते हैं, क्योंकि उसमें लेवरेज मिलता है। लेवरेज मतलब क्या होता है, आप 10 लाख तक का ट्रेडिंग कर सकते हो 3 लाख 4 लाख रुपए देके। एक्चुअल में ऐसा ही होता है, मैं पूरा चीज समझाऊंगा, मैं दिखाऊंगा अभी यहां पर तुम लोग को, ठीक है। सो यहां पर क्या होता है, काउंटर पार्टी रिस्क है। काउंटर पार्टी रिस्क मतलब आज हम बोले हम तुमसे खरीदेंगे, शेयर का ही समझ लो, ठीक है, शेयर का एग्जांपल ले लो। जैसे मान लो मेरे पास में करीब करीब 4000 आईटीसी है, ठीक है, क्योंकि आईटीसी मैं इसलिए बाय करता हूं क्योंकि आईटीसी इज अ डिविडेंड यील्डिंग कंपनी, ठीक है। तुम देखो मोटा मोटी 5 से 6% का डिविडेंड देता ही देता है, ठीक है। अभी जैसे 4000 मेरे पास आईटीसी है, एक शेयर का दाम है 420 रुपया, ठीक है। अब एक चीज सोचो, ये स्पॉट प्राइस है, ये स्पॉट प्राइस है, ठीक है। हम बोले हम 6 महीना बाद, मेरे को लगा मेरा दोबारा फीस आएगा, सब बच्चा दोबारा मेरे से पढ़ेगा, CM1 CS1 CM2, ठीक है ना, सब बच्चा दोबारा मेरे से पढ़ेगा। तो 6 महीना बाद हम कॉन्ट्रैक्ट कर लिए कि हम 2000 आईटीसी, अभी तो मेरा सारा पैसा खत्म हो गया, ठीक है ना, तो 6 महीने बाद वापस से फीस आएगा, हम बोले 2000 आईटीसी हम खरीदेंगे, चलो रेट आज ही फिक्स कर लेते हैं। रेट फिक्स हुआ इसके हिसाब से 450 का रेट फिक्स हुआ, ठीक है ना। हम आशु के संग में कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए, ठीक है, हम बोले आशु देख 450 में 2000 शेयर हम तेरे खरीदेंगे। ये बोला सर बेवकूफ है, आईटीसी कंपनी का कोई फ्यूचर नहीं है, तो नीचे जाएगा। लेकिन हम एकदम, हमको लगा नहीं ये कंपनी बढ़ेगा, कंपनी कैश रिच है, कंपनी होटल्स खोल रहा है, कंपनी ESG में इन्वेस्ट कर रहा है, सिगरेट पीना जिसका लत, क्योंकि हम पर्सनली सिगरेट पीता था, सिगरेट का लत जब लग गया ना एक बार तो जीवन में कभी नहीं छोड़ सकते, बात याद रखना, ठीक है। कभी भी कोई दोस्त तुमको ऑफर करे, एक बात याद रखना, वो एक सुट्टा, वो एक क्या बोलते उसको, फैग, ठीक है, जीवन याद रखना, एक बार अगर लेना चालू कर मेरा बात, ये 25,000 रुपए खाली पेपर पढ़ने का नहीं दिया है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, जीवन में कुछ भी पी लेना, हुक्का दारू कुछ भी पी लेना, सिगरेट को हाथ मत देना, ठीक है ना। इतना एडिक्टिव है ना, इतना एडिक्टिव है ना, जीवन में कभी नहीं छूटेगा, बस याद रखना, ठीक है, ठीक है। इसका छोड़ जाए तो बात अलग है, तुम लोग का नहीं छूटेगा, बस याद रखना। कभी भी कोई दोस्त ऑफर करे बोला मैं पैसे देता हूं, यार बात पैसे का नहीं है, कभी मत हाथ लगाना, तुमको बोल रहे हैं, ठीक है, कभी भी मत, कभी देखे किसी का होठ काला होते हुए देख लेना, देख लेना एकदम, ठीक है, कभी हाथ नहीं देगा। तो हम बोले 450 शेयर, ठीक है, सॉरी 450 का प्राइस, 450 पर शेयर का प्राइस, 2000 इज द क्वांटिटी, ठीक है, 2000 इज द क्वांटिटी एंड टाइम भी फिक्स हो गया। सो एक बार इसको अच्छे से अगर नीटली लिख दे तो मेरे पास ऑलरेडी था, मेरे पास अभी ऑलरेडी है 4000 शेयर, स्पॉट दाम चल रहा है, ध्यान सुनो, सुनते चलो, ठीक है, स्पॉट दाम चल रहा है 420, स्पॉट दाम चल रहा है 420, 6 महीना बाद का रेट फिक्स हुआ 450, क्वांटिटी मैंने बोल दिया 2000, ठीक है ना, क्वांटिटी मैंने बोल दिया 2000 और 6 महीना बाद का ये फिक्स हो गया, ठीक है। तो किसके संग कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आसू के साथ में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब 6 महीना बाद, ठीक है, 6 महीना बाद, अब मेरे को कब फायदा है बताओ, मेरे को कब फायदा है, मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट टू बाय किया, मतलब मैंने एफ प्लस किया है, मैंने एफ प्लस किया है, ठीक है, मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट टू बाय किया है, मतलब मैंने एफ प्लस किया, मेरे को कब फायदा होगा, जब मार्केट में 460 480 500 600 में मिल रहा हो, और आसू से हम कितना में खरीदेंगे, 450 में, ठीक है, ठीक है। 6 महीना बाद स्पॉट हुआ पता है कितना, 600, मेरा मुंह से बोला हुआ बात सच हो गया, तुमको पता है, हम आसू को फोन मिलाए, द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल, हम आशु को फोन मिलाए, फिर वो फोन उठाया, हमारे आशु वो शेयर बोला, शेयर कौन से शेयर, कौन बोल रहा है आप, ठीक है, हमने तुम्हें से पढ़ना था, बोले मैं कौन सा, मैं कुछ कर ही नहीं रहा, मैं आर्ट्स करता हूं, मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूं, हम बोले आशु तुम्हारे घर, बोला आज आई एम इन US, तो क्या हुआ उसको, उसको बता दें भाई, उसको कितना आशु को कितना का नुकसान होगा, इसमें बताओ, क्योंकि आशु जब कॉन्ट्रैक्ट किया आशु के पास शेयर था नहीं, आशु जब कॉन्ट्रैक्ट किया तब आशु के पास शेयर था नहीं, बोला सर आप इतने बुद्धिमान आदमी, आप ऐसा क्यों कॉन्ट्रैक्ट किया, आप शेयर खरीद लेते, शेयर खरीदने का क्या लगता है,
जुबान देने का क्या लगता है? तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट किए मेरा कितना रुपया लगा? असल में जो एफ प्लस करता है उसके पास पैसा होता नहीं है, और जो एफ माइनस करता है उसके पास शेयर होता नहीं है, समझ गया ना? तो बेसिकली 600 मतलब 150 रुपया करके आशु को 2000 शेयर में नुकसान हो गया। आशु देगा? तुमको लगता है? आशु का कैरेक्टर बताओ पहले। उसका जो दोस्त लोग है हाँ हैंड रेस करेगा, किसको उसको लगता है कि आशु ये पैसा देगा? पूरे क्लास में एक जन को भी नहीं लगता है कि आशु ये पैसा, किसको लगता है आशु पैसा नहीं देगा? देखो एक सांप लोग के संग बैठ रहा है भाई, ठीक है, ये नहीं देगा। तो दिस इज काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क, ठीक है। आशु पता क्या किया? बोला बढ़िया है सर के संग ऐसा किए, अब एक काम करते एक्सचेंज के संग ऐसा करते हैं। कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्या होता है एक्सचेंज में आज के दिन पे क्या होता है? जैसे मान लो आईटीसी का शेयर प्राइस चल रहा है 450, ठीक है, मोटा मोटी जो कॉन्ट्रैक्ट का जो साइज होता है वो 8 लाख से 12 लाख का होता है, 8 लाख से 12 लाख का होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये तुम्हारा 1600 का लॉट साइज है, फॉर एग्जांपल मान लो 1600 का है, फिर 2000 का लॉट साइज है, इजी रहेगा। मैं एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं जानता हूं इसमें कितने का, बट मान लो 2000 का लॉट साइज है, ठीक है। माने फ्यूचर में क्या होता है ना, जैसे फॉरवर्ड में तो क्या है कि तुम कितना क्वांटिटी का भी ट्रेडिंग कर सकता है, 2000, 500, 250, 750, 760, 890, दैट इज कस्टोमाइज्ड। फॉरवर्ड इज कस्टोमाइज्ड, मेरा दोनों आपस का बीच का बात है ना, बट एक्सचेंज में होगा दैट इज स्टैंडर्डाइज्ड। लॉट के बेसिस में काम होता है, एक लॉट, दो लॉट, तीन लॉट, चार लॉट, आधा लॉट नहीं होता है, ठीक है ना, लॉट के बेसिस में काम होता है वहां पर, दैट इज स्टैंडर्डाइज्ड। तुम बोलेगा हमको आधा लॉट चाहिए, तुमको नहीं देगा। सो लॉट साइज इज 8 लाख से 12 लाख, देखो 450 करके 2000 का कितना आता है, 9 लाख आता है ना, ठीक है। आशु बोला सर, बोले थे आईटीसी का फ्यूचर बहुत अच्छा है, ठीक है। आशु एक काम, हमने डीमैट अकाउंट खुलाया, आशु डीमैट अकाउंट खुलाया, उसमें वो करने जा रहा है एफ प्लस, 3 महीना बाद का ट्रेडिंग लगा रहा है, 3 महीना बाद का। जैसे मान लो फ्यूचर का प्राइस चल रहा है, 3 मंथ्स एफ का जो प्राइस चल रहा था वो चल रहा था तुम्हारा 470, मान के चले हुए 470 चल रहा है, ठीक है। तो आशु क्या किया, 1 लॉट बाय पे लगाया, मतलब वो क्या बोल रहा है, 3 महीना बाद हम इतना रेट पे 2000 शेयर खरीदेंगे, ठीक है ना। अब आशु जब लगाया वहां पर दिखा रहे इनसफिशियंट मार्जिन, इनसफिशियंट मार्जिन का मतलब पता है क्या है, आप अगर एक्सचेंज में करने जाएंगे ना तो पहले मार्जिन रखिए, ठीक है। दिस मार्जिन एक्ट्स एज अ कुशन अगेंस्ट योर लॉसेस, क्योंकि क्लियरिंग हाउस होता है, क्लियरिंग हाउस क्या करता है, क्लियरिंग हाउस होता है एक्सचेंज, ये सब क्या है, दे एक्ट एज द बायर टू एवरी सेलर एंड सेलर टू एवरी बायर। अरे आशु अगर यहां पर बैठा बैठा एफ प्लस कर रहा है तो एफ प्लस तो ये तब कर पाएगा ना जब कोई एफ माइनस करेगा, नहीं समझा क्या? अगर कोई सेलर है ही नहीं तो आशु खरीदेगा किससे, ठीक है। सो एफ प्लस तो वो तब कर पाएगा जब कोई एफ माइनस करेगा। तुम्हारा फोन में ना कॉल आएगा, तुम्हारा फोन में एक मैसेज आएगा, मैसेज क्या आएगा बताए, कुछ एक इंजीनियरिंग लिमिटेड, केमिकल इंजीनियरिंग लिमिटेड, स्पॉट 5 रुपया 65 पैसा, अपसाइड 200%, टारगेट 20 रुपीज, ठीक है, 10 ट्रेडिंग डेज, ऐसे करके मैसेज आएगा, ठीक है। मत कर लेना, ये ऑपरेटर वाला शेयर है, इसमें क्या होगा पता है, तुम बाय तो कर लेगा, तुम बाय तो कर लेगा, तुम बेच नहीं पाएगा, समझा? क्या होगा, तुम बोलेगा एक बार टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। पापा को बोलेगा पापा 10,000 रुपए चाहिए, वो 10,000 रुपए का तुम क्या करेगा, डीमेट अकाउंट खुलाएगा, डीमेट अकाउंट में मार्जिन डाल देगा। पहला दिन तुम करेगा पता क्या, 200 शेयर खरीदेगा, 1,000-1,200 रुपए तो है, गया तो गया, ठीक है। ये क्या होगा, ये बढ़ जाएगा, यहां से ये करेगा +5%, तुम बोलेगा बढ़िया है, मजा आ रहा है, ठीक है। फिर तुम 2 दिन बाद दोबारा खरीदेगा 200 शेयर, फिर दोबारा हल्का 5% बढ़ा देगा, तुम देखेगा ये यहां से जाएगा 10, ठीक है। तब तक तुम ले चुका होगा शेयर, सारा पैसा का 10,000 रुपए का तुम शेयर ले चुका होगा। अब क्या होगा, ध्यान देना, -5% जाते ही जाएगा, तुम बेच ही नहीं पाएगा, तुम बेच ही नहीं पाएगा शेयर को। मैं क्या बोला, आशु तो प्लस तब करेगा ना जब कोई माइनस करेगा,
और आशु माइनस तब करेगा जब कोई प्लस करेगा। तो यहां पर क्या होता है, क्लियरिंग हाउस एक्ट्स एज द बायर टू एवरी सेलर एंड सेलर टू एवरी बायर। तो बोला पहले ट्रेडिंग लगाना है ना, पहले पैसा रखिए। आशु बोलेगा कितना पैसा, इतना लाख रुपए तो नहीं है। बोले इतना लाख मांगे हैं क्या, इसका 30% लाइए। जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे मान लो 470 का इंटू 2000 करेगा तो 30% मोटा मोटी निकल के आता तुम्हारा 3 लाख रुपए मान लो। ठीक है, बोला पहले 3 लाख रुपए डालिए उसके बाद बात कीजिएगा। आशु 3 लाख रुपए डाल दिया। ठीक है, इनिशियल मार्जिन डिपॉजिट कर दिया। अब क्या होगा, आशु 3 लाख रुपए डाल दिया, अब क्या होगा चीज समझो। एक बार बता दें, तुम शेयर खरीदो चाहे तुम फॉरवर्ड खरीदो फ्यूचर खरीदो, बोलने का मतलब यह है जो एक्सचेंज पे ट्रेडेड है ना, मैंने क्या बोला, डेरिवेटिव इज समथिंग विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम सम अंडरलाइंग एसेट। तो आईटीसी कंपनी का जो स्पॉट प्राइस है 450 है, तुमको क्या लगता है ये जब 450 से जब ये 460 होगा तो क्या तुम्हारा फ्यूचर का प्राइस बढ़ेगा घटेगा कि सेम रहेगा? ऑब्वियस बात है ना, बढ़ेगा। जब तुम्हारा स्पॉट बढ़ रहा है तो तुम्हारा फ्यूचर का दाम भी बढ़ेगा, बिकॉज फ्यूचर्स आर मार्क टू मार्केट। फ्यूचर्स आर मार्क टू मार्केट, मतलब मार्क टू मार्केट का मतलब क्या, जैसे जैसे स्पॉट का वैल्यू ऊपर नीचे करेगा वैसे वैसे फ्यूचर का भी वैल्यू ऊपर नीचे करेगा, एंड उसके बेसिस में, डेली बेसिस में तुम्हारा मार्जिन अकाउंट में प्लस माइनस होते रहेगा, तुम्हारा मार्जिन अकाउंट में प्लस माइनस होते रहेगा। फॉरवर्ड में क्या है, हम बोले चलो रेट आज ही फिक्स कर लेते हैं, फॉरवर्ड में रेट फिक्स हो गया, वो बार बार मार्क टू मार्केट नहीं होगा। जैसे मान लो उसमें क्या होगा, 450 पे मान लो रेट फिक्स हो गया, या फिर 460 जो भी रेट फिक्स हो गया, उसमें क्या होगा, उसमें बार बार तुमको फोन कॉल नहीं आएगा, ये देखो इतना नीचे हो गया, इतना नीचे हो गया, इतना, वैसा नहीं होता। फॉरवर्ड मतलब फिक्स, मतलब फिक्स। फ्यूचर में क्या होता है, मार्क टू मार्केट होता है, मतलब हर दिन तुम्हारा स्पॉट का प्राइस ऊपर नीचे कर रहे हैं, उसके बेसिस में तुम्हारा फ्यूचर का भी प्राइस ऊपर नीचे कर रहा है, बिकॉज फ्यूचर्स आर एक्सचेंज ट्रेडेड, इट इज स्टैंडर्डाइज्ड। काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होता वहां पर। काउंटर पार्टी रिस्क क्यों नहीं होता है, काउंटर पार्टी रिस्क क्यों नहीं होता है, बिकॉज दोनों जन से पहले पैसा रखवाएगा, जो प्लस किया है जो माइनस किया है दोनों जन से पहले पैसा रखवाएगा। अब क्या होगा, जैसे मान लो अब क्या होगा, रेट फिक्स हुआ, रेट फिक्स हुआ तुम्हारा 480। ठीक है, ये रेट फिक्स हो गया, हम लोग एक लॉट एफ प्लस कर लिए, एफ प्लस कर लिए। ठीक है, आईटीसी कंपनी का क्या बनाता है, सिगरेट बनाता है, सिगरेट बनाता है ना, गवर्नमेंट बैन कर दिया, तुम आशु एफ प्लस किया और गवर्नमेंट बैन कर दिया। बोला कल से अगर सड़क पे सिगरेट बेचते हुए देखे तो इतना मार मारेंगे, इतना। अच्छा, अभी तुम सिगरेट का डब्बा देखो, पीछे में देखा है एक आदमी का कैंसर वाला मुंह का फोटो उसमें लगाया हुआ है। ठीक है, उसमें लिखा हुआ, वो फोटो डालना जरूरी है, उसको छोटा बड़ा कुछ नहीं कर सकता, पीछे में फोटो लगा गया रहेगा, तो हो सकता है बहुत लोग देख के डर गया हो। ठीक है, तो बोला कि अब क्या है, सिगरेट अगर आपको बेचना है तो पूरा उसमें वो मुंह का फोटो लगाइए बड़ा करके। ठीक है, आईटीसी कंपनी का प्राइस गिरना चालू हो गया, 460 हो गया। ठीक है, तो कितना रुपए गिर गया, 20 रुपए गिर गया। ये मैं फ्यूचर का बता रहा हूं, स्पॉट कितना था, स्पॉट मान लो 450 था, तो स्पॉट तुम्हारा हुआ होगा 430, स्पॉट तुम्हारा हुआ होगा 430। ठीक है, तो अब इस बार ग्रैनुलैरिटीज पे आएंगे। ठीक है, एक बार के लिए समझ लो, जितना से स्पॉट मूव करे उतना से फ्यूचर भी मूव करेगा, एक बार के लिए समझ लो। ठीक है, तो अभी कितना रुपए का नुकसान हो गया, 20 रुपए करके कितना शेयर पे, 2000। भाई लेवरेज लिया है ना तुम, समझा। आशु के पास उसके पापा उसको 3 लाख रुपए दिए, वो चाहता तो 3 लाख रुपए से शेयर भी बाय कर सकता था, बट आशु बोला नहीं मैं फ्यूचर में जाऊंगा, बिकॉज फ्यूचर इज हैविंग अ लॉट ऑफ फ्यूचर, उसको किसी दोस्त ने बोल दिया। ठीक है, तो कितना का नुकसान हो गया, 40,000 रुपए का नुकसान हो गया, उसका मार्जिन अकाउंट से 40,000 रुपए साफ, कितना बच गया, 2,60,000। ठीक है, एक मिनिमम बैलेंस होता है जो मेंटेन करना पड़ता है, मान लेते वो 2 लाख रुपए है। ठीक है, मान लेते कि वो 2 लाख रुपए है, 3-4 ट्रेडिंग डेज और गया और आशु का बैलेंस हो गया 1,90,000। ठीक है, आशु का बैलेंस हो गया 1,90,000, उसको एक मार्जिन कॉल गया, उसको एक मार्जिन कॉल गया, बोला सुनिए ये ट्रेड रखना है कि काटना है। आशु बोला ऑब्वियसली रखना है, बोला पैसा लगाइए, बोला वापस से इसको 3 लाख रुपए में करिए, तो कितने का मार्जिन कॉल गया, 1,10,000। आशु बोला कितना समय मेरे पास सर,
बोला सुनिए फोन कितना बजे आ रहा है पता है, 12 बजे। बोला 3 बजे के पहले अगर अकाउंट में पैसा दिखा तब तो ट्रेड रखेंगे, नहीं तो क्या कर देंगे, स्क्वायर ऑफ। समझ गया, आरएमएस सेलिंग कर देंगे आपका, 1,10,000 रुपए दीजिए। ठीक है, आंसू बाबा को फोन मिला है, बोला बाबा ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा बोल रहा हूं आगे से कभी नहीं करूंगा, लेकिन अभी तो 1,10,000 रुपए दीजिए। ठीक है, तो ये मार्जिन कॉल हुआ। पहले क्या हुआ, इनिशियल मार्जिन कितने का रखा, 3 लाख का। 2 लाख का मेरा जो है वो है मेंटेनेंस मार्जिन। इससे नीचे जाते ही आपको एक जाएगा मार्जिन कॉल कि आप अपना मार्जिन बैलेंस को ओरिजिनल में रिस्टोर कीजिए। हो सकता है कि ट्रेडिंग करते करते ये 1.90 पे आ रुके, 1.80 पे आ रुके, 1.60, 1.95, 1.98 कुछ भी हो सकता है। तो जो मार्जिन कॉल होगा वो कांस्टेंट अमाउंट का नहीं होगा, वो अमाउंट चेंज हो सकता है डिपेंडिंग कि आपका करंट मार्जिन अकाउंट में कितना बैलेंस है। इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएशन मार्जिन, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएशन मार्जिन। सबसे पहले एक इनिशियल मार्जिन जो रख के तुम ट्रेड लगाया, धीरे धीरे तुम्हारा प्लस माइनस होके मेंटेनेंस मार्जिन के नीचे चला गया। और अगर तुम्हारा मेंटेनेंस मार्जिन के नीचे चला गया फिर तुमको एक मार्जिन कॉल जाएगा कि आप अपना जो मार्जिन बैलेंस है उसको ओरिजिनल में रिस्टोर कर दीजिए, नहीं तो आपका ट्रेड को हम लोग काट देंगे, पूछेगा भी नहीं। ठीक है ना, क्यों बोलो तो, क्योंकि उसको तुम्हारा नियत का आइडिया हो गया है कि अब ये आदमी समझ रहा तुम्हारा ट्रेड वो रख देगा, क्योंकि मार्केट्स आर वेरी वोलेटाइल। आज तो जगह चीज समझो, अभी क्या हो रहा है, 20 रुपए गिर रहे, लेकिन ऐसे गिरावट में कोई लिमिटेशन नहीं है। समझ रहे है, गिरावट में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, 2 दिन भाग भाग करके लोअर सर्किट मारेगा तो सामने वालों को पैसा कैसे मिलेगा। एक्सचेंज तो ये जिम्मेदारी लिया है ना कि आपका पैसा सुरक्षित, अपने से मत लीजिए, काउंटर पार्टी रिस्क पूरा जीरो है, तभी तो एक्सचेंज बनाया। इट एक्ट एज अ बायर टू एवरी सेलर एंड सेलर टू एवरी बायर, और कोई देख नहीं सकता है कि दीवार के उस पार कौन है। ठीक है, तो ये बेसिकली मार्जिन में सबसे पहले इनिशियल मार्जिन जिसको रखे तुम ट्रेडिंग करेगा, मेंटेनेंस मार्जिन तुम्हारा मिनिमम वो है जिसके नीचे जाते ही तुमको मार्जिन कॉल जाएगा, एंड मार्जिन कॉल जो जाएगा वो वेरिएशन मार्जिन का जाएगा। क्योंकि वेरिएशन मार्जिन क्यों नाम है इसका, बिकॉज ये हो सकता है फिक्स जो, ये हो सकता है फिक्स जो, बट ये फिक्स नहीं हो सकता है ना, क्योंकि हो सकता है गिर के 190, 180, 195 कुछ भी हो सकता है, बोलेगा रिस्टोर इट बैक टू द ओरिजिनल, तो इट्स सेफ। सो फॉरवर्ड इज ओटीसी, फ्यूचर इज एक्सचेंज ट्रेडेड, फॉरवर्ड इज कस्टमाइज्ड, इट इज स्टैंडर्डाइज्ड। ठीक है, यहां पर नो मार्क टू मार्केट, यहां पर डेली मार्क टू मार्केट। ठीक है, यहां पर काउंटर पार्टी रिस्क, यहां पर नो काउंटर पार्टी रिस्क। ठीक है, समझ रहे, ये बेसिक डिफरेंस है, ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है ना, ये चार एकदम पूरा बेसिक डिफरेंस है। अब जैसे मार्क टू मार्केट ना डेली प्राइस ऊपर नीचे करेगा, ठीक है, डेली प्राइस ऊपर नीचे करेगा। अब जैसे एक चीज देखो, एक और चीज देखो, अभी तुम लोग ये है क्या, अभी हम लोग ये डिस्कस करते हैं। सपोज करो इंडिगो करेंटली ट्रेडिंग एट 4000 के लेवल्स पे, ठीक है, 4000 के लेवल्स पे ये इसका स्पॉट है। अब मेरे को इसका 1 महीना बाद का, 2 महीना बाद का, 3 महीना बाद का, 6 महीना बाद का फॉरवर्ड ऑब्लिक फ्यूचर का प्राइसिंग करना है। ठीक है, तो वो प्राइसिंग कैसे होगा, ऑनलाइन में सबको आता, ठीक है, यस और नो, जो भी क्वेरी है प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में डालिए, जो भी क्वेरी है आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में डालिए। सबको मेरा वॉइस तो क्लियर आ रहा है ना, ठीक है, चलो। सो 4000 के लेवल्स पे है इंडिगो, ठीक है,
तो मेरे को इसका प्राइसिंग करना है। मान लेते हैं जो रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% का है। सब लोग कैलकुलेटर निकालो, सब लोग कैलकुलेटर निकालो फटाफट से, ठीक है। कैलकुलेटर लैपटॉप एक ऐसा चीज है जो हर क्लास में लेके आएगा, ठीक है, क्योंकि लैपटॉप के अंदर ही तुम्हारा टेबल बुक, रिविजन नोट, इंस्टीट्यूट का मैट, समरी बुक सब आ जाएगा। पेन, कॉपी, कैलकुलेटर और वो, ठीक है, ये सब सब बेसिक चीज लेके आएगा। ध्यान देना, ये इंडिगो है, 4000 रुपए का स्पॉट चल रहा है, मेरे को इसका एक महीना बाद का प्राइसिंग निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे 4000 रुपया? एक बार बताओ, 4000 रुपया अगर आज दाम है तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? बाय कर सकते हैं, तो बाय करेंगे तो पैसा तो मेरा पॉकेट में है नहीं, ठीक है। दिखा देते तुम लोग को, एक मिनट, तुम लोग कितना पैसा है ना, एक मिनट को, ये देखो ये वाला पॉकेट खाली है, पीछे पर्स नहीं है, ठीक है, ये वाला पॉकेट भी खाली है, ठीक है। तो और बोल कहा, बैंक अकाउंट में भी कुछ नहीं है, ठीक है। 4000 रुपया दाम है, एक महीना बाद का मेरे को प्राइस निकालना है, तो इसको हम बाय कर सकते हैं या फिर हम एक फॉरवर्ड ऑब्लिक फ्यूचर में एंटर कर सकते हैं कि हम तुमसे ये शेयर एक महीना बाद खरीदेंगे, ठीक है। चलो रेट आज ही फिक्स कर लेते, तो वो रेट हमको निकालना है, ठीक है। एक बात बोले क्या, तुम मान लो ये शेयर खरीदना चाहते हैं तो तुम क्या करेगा, तुम 4000 रुपए पहले बोरो करेगा, तुम बैंक में जाएगा, तुम 4000 रुपए का लोन लेगा, ठीक है। तो बैंक बोलेगा सर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, मान लो एक साल के बाद का, आफ्टर वन ईयर, एक महीना बहुत अजीब हो जाएगा, एक साल के बाद तुम ये शेयर खरीदना चाहता है, तुम बैंक में, तुम बेसिकली एक साल बाद ये शेयर खरीदना चाहता है, एंड चलो रेट आज ही फिक्स कर लेते, वन ईयर का पीरियड है, ठीक है, फॉरवर्ड का जो पीरियड है, फॉरवर्ड ऑब्लिक फ्यूचर का जो पीरियड है दैट इज वन ईयर। तो बैंक बोलेगा सर एक साल का ब्याज लगेगा 5%, कैलकुलेटर में करो कितना ब्याज आता है, कितना आता है, 200 रुपया। तो एक साल बाद तुम बैंक को कितना चुकाएगा, 200 रुपया। क्या होता, पैसा पहले रखिए फिर शेयर देंगे। यही अगर तुम फॉरवर्ड में एंटर करता तो तुम्हारा आज कितना रुपए लगता, 0। तुम अगर फॉरवर्ड में एंटर करता तुम्हारा आज कितना रुपए लगता, 0, ठीक है। लो आज तुम्हारा 0 लगता, एंड होता क्या, एक साल के बाद में जो भी रेट फिक्स होता, जैसे मान लो 4300, 4100, 4150 कुछ भी होता, वो तुमको एक साल बाद देना पड़ता, एक साल बाद तुमको देना पड़ता है, तुमको वो शेयर एक साल बाद मिलता, अभी नहीं मिलता, एक साल बाद मिलता, ठीक है। स्पॉट बाय के केस में क्या हो रहा है, 4200। फॉरवर्ड मतलब क्या होता है, स्पॉट मतलब आज बाय, फॉरवर्ड मतलब एक साल बाद बाय। तो फॉरवर्ड का प्राइसिंग इज वेरी सिंपल, जो आज का जो दाम चल रहा है उसको हम एक साल आगे लेके जाएंगे, वही मैंने यहां पर किया है। आज का जो दाम चल रहा है उसको हम एक साल आगे लेके जाएंगे, मतलब एक साल अक्यूमुलेट करेंगे। सो 4000 × 1.05, तो कितना आ रहा है, ये 4200। इसको हम लोग बोलते हैं थ्योरेटिकल प्राइस, थ्योरेटिकल प्राइस मतलब थ्योरी पढ़ा रहे अभी हम तुम लोग को, थ्योरी के हिसाब से 4200 आएगा, बट एक्चुअल में 4200 नहीं होता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, ठीक है। अब एक चीज सोचो, हम बोला कि 4200 मेरा फॉरवर्ड का प्राइस आ रहा है, बेसिकली जो स्पॉट है उसको आप आगे लेके जाइए, एक महीना, दो महीना, छह महीना, एक साल, तो आपको फॉरवर्ड का प्राइस मिल जाएगा। हम निकाल लिया 4200, ठीक है। अब एक्चुअल में वन ईयर फॉरवर्ड चल रहा है 4300, तो तुम क्या करेगा, वन ईयर फॉरवर्ड चल रहा है 4300, तो तुम क्या करेगा बताओ, तुम क्या करेगा बताओ। जिस चीज का दाम 4200 होना चाहिए वो कितना चल रहा है, जिस चीज का दाम 4200 होना चाहिए वही चीज का दाम मार्केट में कितना है, 4300। महंगा मिल रहा है,
महंगा मिल रहा है ना, तो फाइनेंस में जो चीज महंगा मिल रहा है उसको बेचो, जो चीज महंगा मिल रहा है उसको बेचो। तो तुम वन ईयर फॉरवर्ड सेल कर दिया, यानी तुम एक एफ माइनस किया, एक एफ माइनस। जो भी चीज महंगा मिल रहा है उसको बेचो और जो भी चीज सस्ता मिल रहा है उसको खरीदो। तुम क्या किया, 4000 रुपया बोरो कर लिया, ठीक है, कितना परसेंट पे, बैंक से बोरो कर लिया। बोरो करके क्या किया, 1S+। एंड साथ ही साथ तुम क्या किया, 1F-। समझ में आ रहा सबको, ठीक है। आफ्टर वन ईयर 4000 रुपए तुम बोरो किया, उससे एक शेयर खरीदा एंड साथ ही साथ तुम एक फॉरवर्ड सेल किया। क्यों सेल किया, क्योंकि जिस चीज का दाम 4200 होना था वही चीज मार्केट में कितना में मिल रहा है, 4300 में, तो महंगा मिल रहा है तो बेचो उसको, ठीक है। वन ईयर आफ्टर क्या होगा, ध्यान से सुनना, वन ईयर आफ्टर अब सोचो शेयर का दाम कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए शेयर का दाम, कुछ भी हो जाए शेयर का दाम, मान लेते हैं शेयर का दाम चल रहा है 4500, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तुम्हारे पास में क्या है, एक शेयर है और एक ऑब्लिगेशन है कि तुमको 4300 में यह शेयर देना पड़ेगा, करेक्ट। तो तुम जिससे एफ माइनस किया था उसको यह शेयर दे दो, तुम जिससे एफ माइनस किया था उसको तुम यह शेयर दे दो। तुम तो शेयर बेचा है एफ माइनस वाले को, रेट फिक्स किया था उस समय, तो वो तुमको पैसा देगा ना, कितना पैसा देगा, 4200 देगा ना 4300 देगा, वो तुमको देगा 4300 रुपया, वो तुमको देगा 4300। तुम्हारे पास एक शेयर था, वो शेयर तुम एफ माइनस जिसके संख्या उसको दे दिया, उससे लिया कितना, बैंक को कितना देगा तुम, हुआ क्या, अल्टीमेटली प्रॉफिट नहीं होता, ये आर्बिट्रेज प्रॉफिट होता है, दिस इज रिस्कलेस प्रॉफिट, दिस इज रिस्कलेस प्रॉफिट। एंड रियल टाइम में मार्केट्स में ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, बिकॉज ह्यूमन माइंड, ह्यूमन हैंड्स कैन नॉट डू सो फास्ट ट्रेडिंग जो एल्गो ट्रेडिंग कर सकता है। वो लोग का सारा सिस्टम बैठाया हुआ है कि भाई देख, अगर 4200 के ऊपर में जाएगा ना फॉर फ्यूचर का प्राइस, तो तुमको क्या करना है, S+F-। अल्टीमेटली क्या होगा, ऐसा बहुत सारा सिस्टम करेगा, बहुत बार करेगा, तो शेयर पे बाय प्रेशर आएगा, बाय प्रेशर आने से शेयर का दाम बढ़ेगा, एंड फॉरवर्ड क्या हो रहा है, सेल 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 सेल, उस पर क्या आएगा, सेलिंग प्रेशर आएगा, उसका दाम गिरेगा, अल्टीमेटली वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। इसको बोलते हैं आर्बिट्रेज प्रॉफिट। सो थ्री काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर, एक हमने पढ़ा स्पेक्यूलेशन जो स्टार्टिंग में केकेआर वाला एग्जांपल लिए थे, दूसरा है हेजिंग जो एसी कंपनी वाला लोग करता है जिसका ऑलरेडी एक्सपोजर है, वीट फार्मर करेगा, बेकरी करेगा, इंडिगो कंपनी करेगा जिसका ऑलरेडी एक एक्सपोजर है, उसको कम करने के लिए वो डेरिवेटिव मेंटर करेगा। और तीसरा होता है जहां पर मान लो जो चीज सस्ता मिल रही है, फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल, रूम के बाहर कोर्स मिल रहा है CM2 का 24000 रुपए में और रूम के अंदर मिल रहा है 25000 रुपए में, हम क्या करेंगे पता है, तुम लोग क्या सोचेगा, रूम के बाहर से ले लो, नहीं हम क्या करेंगे, रूम के बाहर से खरीदेंगे, रूम के अंदर बेचेंगे, बाहर से खरीदेंगे अंदर बेचेंगे, और तब तक बेचते रहेंगे जब तक बाहर में बाइंग प्रेशर रुके एंड अंदर का सेलिंग प्रेशर रुके, प्राइसेस इक्विलिब्रियम पे नहीं है, वो अलग बात, हम लोग वैसे देते नहीं है, ठीक है ना। सो बेसिकली पॉइंट ये है कि कोई भी पेन समझ लो, पेन, ये पेन, ये पेन बाहर मिल रहा है 10000 रुपए का, अंदर मिल रहा है 9000 रुपए का, तुम क्या करेगा, अंदर से लेके बाहर बेचेगा, ठीक है। सो जैसे मान लो गोल्ड, तो गोल्ड का, गोल्ड बहुत सारे एक्सचेंज पे होगा, सब एक्सचेंज का अलग अलग हो सकता है, क्योंकि मिसप्राइसिंग हो, तो एल्गो ट्रेडिंग उसको फटाफट डिटेक्ट कर लेता है और वो तब तक प्लस माइनस करते रहेगा जब तक प्राइसेस इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाते। इसको बोलते हैं आर्बिट्रेज, मतलब रिस्क लेस प्रॉफिट। इसमें मैंने क्या रिस्क लिया, कुछ भी नहीं लिया, इसमें मैंने कोई भी टाइप का रिस्क लिया नहीं लिया, मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि थ्योरेटिकल प्राइस जो है उससे ज्यादा है एक्चुअल प्राइस, ठीक है। ये उल्टा होता तो मैं क्या करता, सोचो तो
ये सेम एग्जांपल चीज समझो, अगर 1,00,000 रुपए भी दे देगा ना तो भी ये कोई नहीं पढ़ा पाएगा, ये सिर्फ मेरा 10 साल का मेहनत और कुछ नहीं है, ठीक है। 4,100 रुपया, अब बताओ 4,100 रुपया होता अगर, थ्योरेटिकल प्राइस क्या निकाले थे 4,200, अब बताओ क्या भाई, एफ प्लस करेंगे 1F+ और क्या करेंगे, 1F+ करेंगे और क्या करेंगे बताओ, वन एफ प्लस करेंगे और क्या करेंगे, 1S- तो शेयर मान लेते हैं शॉर्ट सेलिंग अलाउड है, तुम स्पॉट में शेयर बेच दिया तुमको कितना रुपए मिला 4,000, इसको तुम इन्वेस्ट कर दिया 5% पे, क्या हो जाएगा कितना रुपए मिलेगा 4,200, तुम 1F+ किया है कितना में, 1F+ किया कितना में बोलो, 1F+ किया कितना में, माने तुम सामने वाला से शेयर खरीदेगा कितना में खरीदेगा 4,100 में, तुम सामने वाला से शेयर खरीदेगा 4,100 में, तुम सामने वाला से शेयर खरीद लो, तुम्हारे पास में है कितना 4,200, 100 रुपए बच रहे ना, अब एक काम करो रुको, 4,100 में शेयर खरीद के किसको दे देगा, ये जो जिसे शेयर तुम बोरो किया था, जिसे शॉर्ट सेल किया था ना तुम, तो शेयर तो समझो हम बोले तेरा शेयर दे, आज हम बेचेंगे 1 साल बाद तेरे को तेरा शेयर दे देंगे, समझा, तो तुम पहले शॉर्ट सेल किया शेयर, तो तुमको शेयर बाय करना पड़ेगा ना, तुम तो मार्क, तो क्या किया तुम अल्टीमेटली, यहां से जो तुम्हारे पास शेयर आया वो तुम इसको दे दिया, तो एक शेयर आया फॉरवर्ड से जो शॉर्ट सेल किया था तुम उसको दे दिया, तो अल्टीमेटली शेयर शेयर कट, तुम्हारा सारा हिसाब भी कट, अल्टीमेटली तुमको क्या हुआ 100 रुपए का प्रॉफिट, ठीक है। पहले वाले में क्या किए थे बोरो किए थे और क्या किए थे 1S+ और क्या किए थे 1F-। अभी हम लोग क्या किए, इन्वेस्ट किए, 1S- किए एंड 1F+ किए, ठीक है। ये दोनों आर्बिट्रेज स्ट्रेटजीज दिमाग में रखना, कुछ भी कॉपी मत करो, आराम से खाली सुनते चलो, ठीक है। अभी और देखो, अब इसमें हम लोग एक चीज देखो, शेयर बाय वर्सेस फॉरवर्ड बाय, दो तीन चीज होता है इसमें, वो समझ लो। अगर तुम अभी शेयर बाय करता है तो शेयर का सब कुछ तुम्हारा, कंपनी जो भी डिविडेंड देगा, कंपनी जो भी बोनस अनाउंस करेगा, सब कुछ तुम्हारा, बट वो चीज तुमको फॉरवर्ड में नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम तो खाली कसम खाया है, तुम तो एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट टू बाय, नथिंग बाय नथिंग सेल टुडे आफ्टर 1 ईयर नॉट नाउ। सो फॉरवर्ड बाय में क्या होता है, कुछ नहीं बाय कुछ नहीं सेल, तो कंपनी अगर डिविडेंड देगा तो वो फॉरवर्ड बाय वाले को मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो शेयर बाय में क्या होगा, जैसे मैं यहां पर लगाता हूं डिविडेंड्स, यहां मिलेगा यहां नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट कॉस्ट, शेयर अगर तुम बाय करेगा तो पैसा बोरो करेगा, पैसा बोरो करेगा तो तुम्हारा इंटरेस्ट कॉस्ट लगेगा, यहां पर इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। और चीज का बात करते हैं, तुम कॉपर का बात करो, ठीक है, या फिर कोई भी एक ऐसा कमोडिटी का बात करो, तो जनरली ऐसा चीज जिसका स्टोरेज के लिए कॉस्ट लगता है, शेयर तो डीमैट में आ जाता है, कॉपर का तुम ट्रेडिंग करता है, ठीक है ना, कॉपर का बात करो या फिर स्टील का बात करो या फिर कोई भी ऐसा कमोडिटी जिसका एनएससी बीएससी में फ्यूचर्स लिस्टेड है, ठीक है ना। सो बेसिकली उसमें जो स्टोरेज कॉस्ट है, स्टोरेज कॉस्ट है, तो स्टोरेज कॉस्ट अगर तुम शेयर बाय ऑब्लिक स्पॉट बाय, ऑब्लिक स्पॉट बाय, तो अगर तुम स्पॉट मान लो कॉपर बाय कर लेता है, या फिर तुम स्पॉट मान लो गोल्ड बाय कर लेता है, सिल्वर बाय कर लेता है, वर्सेस अगर तुम फ्यूचर या फिर फॉरवर्ड में बाय करता है, तो स्पॉट बाय करेगा तो तुम्हारा स्टोरेज कॉस्ट लगेगा, राइट, बट अगर तुम फॉरवर्ड फ्यूचर बाय करेगा तो वो चीज तुम्हारा नहीं लगेगा। एक और होता है कन्वीनियंस यील्ड,
कन्वीनियंस यील्ड का मतलब क्या होता है, मैं तुमको एक छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूं। हम लोग का कोचिंग सेंटर है, कोई बच्चा मान लो दुबई से आया, ठीक है, वो कल शाम का उसका फ्लाइट है, ठीक है। नॉर्मल में प्रिंटिंग में एक हफ्ता लगता है, मेरे पास बुक्स था रेडी, हमको फोन मिला बोला अभी हम आएंगे पेमेंट करेंगे, आपके पास बुक्स है ना, हम बोले हाँ मेरे पास है तुम आ जाओ। पहले तीन चार कोचिंग सेंटर और मिला है, जो लोग बेसिकली जस्ट इन टाइम अप्रोच फॉलो करता है, पहले बेचता है फिर प्रिंट कराता है फिर देता है, तो उसमें टाइम लग जाता है। हम बोले अभी है अभी तुरंत आ जाइए, तो दैट इज कन्वीनियंस सील, मतलब तुम्हारे पास था एंड तुमने वो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। तो वो चीज कब पॉसिबल है, स्पॉट में पॉसिबल है बट फॉरवर्ड फ्यूचर में पॉसिबल नहीं है। कोई भी एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आया, तुम्हारे पास वो सामान था तुम दे दिया, ठीक है। सो दैट कन्वीनियंस यील्ड इज देयर इन शेयर बाय ऑब्लिक स्पॉट बाय बट फॉरवर्ड बाय में ये चीज नहीं है। ये चीज समझा ना, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैरी। कॉस्ट ऑफ कैरी मतलब बेसिकली देयर आर सम, फॉर एग्जांपल शेयर में बहुत बड़ा डिविडेंड मिलता है, तो अगर मान लो तुम फॉरवर्ड बाय करता है तो वो डिविडेंड तो तुमको नहीं मिलेगा, बट अगर तुम स्पॉट बाय करता है तो वो तुमको मिलेगा। तो ये सारा चीज को हम लोग को इसका प्राइसिंग में इंक्लूड करना पड़ेगा। आज अगर फॉरवर्ड का सोचे, इसके तरफ से सोचो, इसमें क्या क्या नहीं लगेगा। एक तो तुम्हारा स्टोरेज कॉस्ट नहीं लगेगा, डिविडेंड तो बल्कि नेगेटिव पॉइंट हुआ इसका, डिविडेंड तो नहीं मिलेगा ना, तो खराब चीज है। अच्छा चीज क्या है इसमें, इसमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा और इसमें स्टोरेज कॉस्ट नहीं लगेगा। इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है, इसमें कन्वीनियंस ही, इसमें कन्वीनियंस नहीं है और क्या है, डिविडेंड वगैरह जो भी इनकम वगैरह होता है वो इसमें नहीं है, ठीक है। अब एक चीज समझो, फॉरवर्ड केकेआर वाले एग्जांपल में हमको जैसे ही हेड का विकेट गिरा, ठीक है, हमको लगा 200 नहीं भाई 180, शर्मा का विकेट गिरा 160, मार्कम गिरा हमको लगा अब तो झोला है। तो बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि कुछ टाइम बाद जब मेरे को रियलाइज हुआ कि यार मैंने गलत सौदा कर लिया आशु के साथ में, हम आशु को फोन किया, देखा आशु तेरा सर है, बोला सर होगा घर पे, ऐसे ही बोला, पता, बोला सर होगा घर पे, ठीक है ना, मैच के बाद मिलते हैं आज, ठीक है। तो यहां पर क्या है, एक ऑब्लिगेशन है, फॉरवर्ड ऑब्लिक फ्यूचर में एक ऑब्लिगेशन है। वंस यू एंटर द कॉन्ट्रैक्ट यू हैव अ ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन क्या चीज का है, ऑब्लिगेशन क्या चीज का है, तुमको उसको एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा, तुमको उसको एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा, ये एक ऑब्लिगेशन है इसमें, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखना कि फॉरवर्ड ऑब्लिक फ्यूचर में हमेशा देयर इज अ ऑब्लिगेशन। अब इस क्लास में बहुत लोग हैं, ठीक है, तो बहुत लोग शेयर बाय करता है, बहुत लोग फॉरवर्ड फ्यूचर बाय करता है, ठीक है। अब क्या हुआ, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे मार्केट में, बहुत सारे लोग सट्टा ही नहीं लगा रहा मार्केट में। हम बोले तुम बैठे क्यों, तुम सट्टा क्यों लगा मार्केट में, लगाओ हम लोग की तरह। बोला नहीं सर, ऊपर जाने में तो मजा आएगा लेकिन नीचे जाने से तो सारा मजा खत्म। यही मान लीजिए अगर नीचे तरफ चला गया तो पैसा देना पड़ेगा, तो दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट रिस्क ऑफ डाउनसाइड, ठीक है। सो इसीलिए एक और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया जिसका नाम है ऑप्शन। इट गिव्स यू ऑप्शन, तुम्हारा मन है तो तुम एंटर करो, तुम्हारा मन नहीं है तो तुम एंटर मत करो। बट कोई भी चीज अगर ऑप्शन के साथ में आता है, मतलब ऑप्शन मतलब क्या होता है, हक। ऑप्शन का मतलब क्या होता है, हक। अगर कोई भी चीज एक हक तुमको दे रहा है तो उस हक का एक पैसा लगता है, ठीक है ना। सो बेसिकली जो नेक्स्ट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट इज ऑप्शंस, ठीक है, ऑप्शंस। अभी वही वाले एग्जांपल में आते हैं, ध्यान से सुनना, केकेआर वर्सेस एसआरएच, ठीक है, केकेआर वर्सेस एसआरएच, टॉस जीत के वो लोग क्या किया था, बैटिंग लिया था, ठीक है। अब एक नया टाइप का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, हम बोला कि भाई देख तेरे को पार्टिसिपेट करना है ना मार्केट में, तेरे को सट्टाबाजी करना है, ठीक है, मैं तेरे को कराएगा, ठीक है। तो हम बोला कि तुम एक काम कर, क्या था, एक रन इज इक्वल टू 1 लाख बोला था ना, हम बोला तुम एक काम कर, 200 के ऊपर सब तेरा, सब तेरा मतलब 201 होने से हम तेरे को 1 लाख देगा,
202 होने से हम तेरे को 2 लाख देगा, 203 होने से हम तेरे को 3 लाख देगा, एंड सो ऑन। 200 के ऊपर सब तेरा, ठीक है, और 200 के नीचे हम तेरे से 1 रुपए नहीं मांगेगा। बोला है, बोला है, बोला 200 के नीचे हम तेरे से 1 रुपए नहीं मांगेगा। बट ये हक हुआ ना कि ऊपर गया तो मैं तेरे को दे रहा हूं, नीचे आने से मैं तेरे से कुछ नहीं मांग रहा हूं। इस हक का एक दाम लगेगा, इस हक का एक दाम लगेगा। तुम मेरे को 5 लाख रुपए पहले दे दे, तुम मेरे को 5 लाख रुपए तुम मेरे को दे दे। इसको बोलते हैं ऑप्शन प्रीमियम। तुम मेरे को 5 लाख रुपए दे दे, ठीक है, वो मान गया, वो मान गया। स्कोर सेटल हुआ 202 में, जीता कौन? हम जीता, समझा। ऑप्शन इज लाइक अ लॉटरी टिकट। कितना रुपए मिलता है लॉटरी टिकट? कभी खेला है प्ले विन? ऐसा कुछ नहीं खेला कभी? 50 रुपए का लॉटरी टिकट आता होगा, 100 रुपए का, और जीतने से 1 करोड़, ठीक है। तो तुम फाड़ा लॉटरी का टिकट, ठीक है, तुम 100 रुपए दिया, अगर लगा तो लगा, नहीं लगा तो फिर 100 रुपए गया। वो जो 100 रुपया है वो क्या चीज का है? आप खाली अपसाइड है तुम्हारा जीवन में, डाउनसाइड कुछ भी नहीं है। मैक्सिमम उसका लॉस जो मेरे संग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, उसका मैक्सिमम लॉस कितना है? 5 लाख। अब 202 के केस में क्या होगा? उसका 2 लाख रुपए उसको देंगे, बट वो मेरे को कितना दिया? 5 लाख। तो नेट नेट मेरे पास कितना बचा? 3 लाख। सो आई एम द ऑप्शन सेलर, ही इज द ऑप्शन बायर। एकदम सिंपल बेसिक यही है, ठीक है। ही हैज द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू एंटर इनटू दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो इससे क्या हुआ, जो लोग भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे मार्केट्स में, मैं उन सबको ले आया। क्योंकि डर किस चीज का है? नुकसान से डर है। प्रॉफिट में तो मैं क्या कॉन्ट्रैक्ट बनाया? बोला पूरा आसमान तेरा, केकेएल जैसा टीम, सॉरी एसआरएच जैसा टीम, देखा है बैटिंग लाइनअप, देखा है हेड मार्कम शर्मा मारेगा तो बॉल फाड़ देगा एकदम, 300, सोच कितना रुपया आएगा तेरे पास। बट अल्टीमेटली वो तो नॉनसेंस है ना, बना दिया चलो बात अलग है, बट फाइनल में समझ रहे ना बात को, तो वही ऐसा होता है। अब ये जो चीज है, यही सेम चीज, मैं बोला 200 के नीचे सब तेरा, ठीक है, 200 के नीचे सब तेरा, 200 के ऊपर मैं तेरे से 1 रुपए नहीं मांगूंगा। तू मेरे को एक काम कर, एक प्रीमियम दे दे, तू मेरे को 10 लाख का एक प्रीमियम दे दे, रेडी हो गया। मैं बोला 200 के नीचे सब तेरा, पूरा डाउनसाइड तेरा, सोच के देख। अगर स्टार्क वर्ल्ड कप वाला बॉलिंग कर एक्चुअली कर दिया उस दिन, ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग में प्रीमियम ले लिया, ठीक है। स्कोर सेटल हुआ 160 पे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, 40 लाख रुपया उसको फायदा हुआ, वो दिया कितना? 10 लाख। तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ? 30 लाख का प्रॉफिट हुआ। पे ऑफ इसको बोलते हैं, पे ऑफ इसको बोलते हैं। अब एक बात बोले क्या, तुम लोग को लग रहा होगा सर तो बेवकूफ है, सर तो बेवकूफ है, सर पहले वाले में लिए कितना, सर पहले वाले में लिए कितना प्रीमियम? 5 लाख, और अपने आप को एक्सपोज कर दिए इतना बड़ा नुकसान से। सर दूसरे वाले में लिए कितना? 10 लाख, और अपने आप को एक्सपोज कर दिए इतना बड़ा नुकसान से। बट नहीं, हमेशा सेलर इज द विनर। इंश्योरेंस कंपनी के बारे में सोचो, वो भी तो लॉटरी की तरह ही है, तुम्हारा जीवन का लॉटरी जो कंपनी खेल रहा है। लाइए मेरे को प्रीमियम दीजिए 15,000 रुपया, और मर गए तो आपके फैमिली को कितना देंगे? 1 करोड़। वो लोग को पता है कितना लोग मरेगा, समझता है? हमेशा सेलर इज द विनर। लॉटरी कितना लोग लॉटरी खरीद रहे हैं? 50 रुपए का लॉटरी 1 करोड़ लोग खरीद रहे हैं, कितना आ रहा है? हाँ, 50 करोड़ आ रहे हैं, कितना का आउटगोइंग होगा? 10 करोड़ का, ठीक है। ऑप्शन बाइंग में ना, ऑप्शन बाइंग में द बायर इज हैविंग अ राइट बट नॉट अ ऑब्लिगेशन। सेलर बिकॉज ही हैज कलेक्टेड ऑप्शन प्रीमियम, ही इज हैविंग एन ऑब्लिगेशन कि अगर सामने वाला एंटर करेगा तो मेरे को एंटर करना ही पड़ेगा उसमें। आई कैन नॉट बैक आउट, क्योंकि मैंने क्या लिया है, एक हक बेचने का एक प्रीमियम लिया है मैंने। अपसाइड बेटिंग को
अपसाइड बेटिंग को हम लोग बोलते हैं कॉल ऑप्शन, ठीक है, एंड डाउनसाइड बेटिंग को हम लोग बोलते हैं पुट ऑप्शन, ठीक है। ये एकदम एक बेसिक एग्जांपल हुआ, ठीक है। अब तुम लोग कॉपी निकालो, अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे इस पे, ठीक है। एंड वो जो 200 था ना, 200 उसको हम लोग स्ट्राइक प्राइस भी बोलते हैं, वो जो 200 था उसको हम लोग स्ट्राइक प्राइस या फिर एक्सरसाइज प्राइस भी बोलते हैं, कि किसके ऊपर नीचे देखना है, किसके ऊपर नीचे देखना है, दैट इज द स्ट्राइक प्राइस और द एक्सरसाइज प्राइस, ठीक है ना। आइए सबसे पहले हम लोग करेंगे कॉल ऑप्शन पे एग्जांपल, ठीक है, कॉल ऑप्शन पे एग्जांपल। सो हम लोग एक लेंगे एग्जांपल इंडिगो कंपनी का, ठीक है। इंडिगो कंपनी तुम्हारा स्पॉट चल रहा है 4100 रुपया, ठीक है, 4100 रुपया स्पॉट चल रहा है, ठीक है। एक्सरसाइज प्राइस है 4200, ये दोनों अलग अलग हो सकता है, एक्सरसाइज प्राइस बहुत सारा होता है। अगर मान लो स्पॉट चल रहा है 4100, तो तुमको लिक्विडिटी मिलेगा तुम्हारा 3000 से लेकर के 5000 तक का एक्सरसाइज प्राइस में, और हर 100-100 के गैप में होगा, जैसे 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, ठीक है ना। कॉल ऑप्शन का मतलब क्या होता है सुनो, बायर के लिए क्या होगा लिखो ये चीज, बायर के लिए होता है ऊपर जाने से, ऊपर जाने से डिफरेंस आएगा, ठीक है। सेलर के लिए क्या होता है लिखो, ऊपर जाने से डिफरेंस जाएगा, ऊपर जाने से डिफरेंस आएगा किसको, बायर को, सेलर को ऊपर जाने से डिफरेंस जाएगा, ठीक है ना। स्पॉट अपने को दे दिया है, स्ट्राइक प्राइस दे दिया है, ठीक है, और अपने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं 6 मंथ्स का, अपने कॉल ऑप्शन बाय किए हैं, 6 मंथ्स का अपने कॉल ऑप्शन बाय किए हैं, एंड वी हैव पेड ऑप्शन प्रीमियम ऑफ 200 रुपीज, वी हैव पेड ऑप्शन प्रीमियम। ये जो हक खरीदे ना, अगर मेरा इच्छा होगा, कॉल ऑप्शन का मतलब क्या होता है ध्यान से सुनो, एक बार सुन लो, कॉल ऑप्शन का मतलब होता है राइट टू बाय, पुट ऑप्शन का मतलब होता है राइट टू सेल। क्या चीज, बाय सेल, जो भी अंडरलाइंग है, जो भी अंडरलाइंग है, ठीक है, स्टॉक, इंडेक्स, कुछ भी। तो बेसिकली कॉल ऑप्शन मतलब राइट टू बाय, राइट टू बाय एट द स्ट्राइक प्राइस। अगर मेरा इच्छा करेगा तो हम तुमसे 6 महीना के बाद में इंडिगो का शेयर खरीदेंगे, कितना में, 4200 में, और इस हक के लिए हम तुमको 200 रुपए का प्रीमियम देते हैं। हम, अगर मेरा इच्छा करेगा तो हम तुमसे 4200 में 6 महीना बाद इंडिगो का एक शेयर खरीदेंगे, एंड इस हक के लिए हम तुमको 200 रुपए का प्रीमियम देते हैं, ठीक है ना। चलो अब 6 महीना बाद क्या क्या हो सकता है ध्यान देना, 6 महीना के बाद में 6 मंथ स्पॉट, मैंने 6 महीना के बाद में शेयर प्राइस का बात हो रहा है यहां पर, तो 6 मंथ स्पॉट अगर मान लो 3500 है तो क्या होगा, 4000 है तो क्या होगा, 4200 है तो क्या होगा, 4500 है तो क्या होगा, 5000 है तो क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पे ऑफ का बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग पे ऑफ का बात करेंगे, ठीक है। सो मेरा पे ऑफ क्या होगा पहले मेरे को ये बताओ, पे ऑफ 3500, मेरा बात ध्यान सुनो, हम क्या बोले, हम क्या बोले, अगर मेरा इच्छा होगा तो हम तुमसे, सर डू वी रिसीव एनी नोट्स और पीडीएफ मेंशनिंग ऑल दिस, यस यू विल रिसीव दिस स्लाइड दैट आई एम राइटिंग, बट समटाइम्स इट गेट्स डिलीटेड बाय द स्टाफ मेंबर्स, सो सॉरी इन एडवांस। मोस्टली 90% का स्ट्राइक रेट है, ठीक है ना। अगर ऐसा कभी होता है तो आप ये वीडियो देख के दोबारा से उसको लिख लेना, ठीक है, बट वैसा कुछ लिखवाया नहीं है, ठीक है, बेसिकली थोड़ा फील लो कि क्या हम लोग पढ़ेंगे। तो पे ऑफ का बात करिए, मैं क्या बोला, अगर मेरा इच्छा करेगा तो हम तुमसे ये शेयर कितना में खरीदेंगे, 4200 में, बट कोई गधा ही होगा कि मार्केट में मिल रहा है कितना में, 3500 में, और तुमसे कितना में लेंगे, 4200 में, तो ये एक्सरसाइज नहीं होगा, ये लैप्स हो जाएगा, ये लैप्स हो जाएगा। एक मिनट रुको, सोचो अपने लाइफ का 10 मिनट रिवाइंड करो, यही अगर हम फॉरवर्ड या फिर फ्यूचर में एंटर करते 4200 का रेट पे, 4200 का रेट पे अगर हम फॉरवर्ड अब्लिक फ्यूचर में एंटर करते, और अगर मार्केट का दाम हो जाता 3500, मैं करता अगर एफ प्लस, तो कितने का नुकसान हो जाता, 700 का, बट क्योंकि मैं ऑप्शन में एंटर किया, अभी कितने का नुकसान होगा, 200, 3500 छोड़ो, 3000 हो जाए, नुकसान कितने का,
200, 2500 हो जाए नुकसान कितने का, समझ रहे? तो हम जो बायर है, हम जो बायर है ऑप्शन का, हम क्या चाहेंगे? मार्केट में तूफान आ जाए। मार्केट में तूफान क्यों आ जाए तुम समझो? मार्केट में तूफान इसलिए आ जाए, अगर ऊपर गया तब तो मैं राजा, लेकिन अगर नीचे गया तो मैं स्टाफ नहीं, मैं रंक नहीं, मैं भिखारी नहीं। क्यों? माय लॉस इज लिमिटेड टू कितना? 200। इन जगह कंपनी बंद हो जाए, कितना मेरा नुकसान होगा? 200। ये है ऑप्शन का फायदा। अब रुको, कॉल ऑप्शन बाय कोई किया है तो इसका मतलब कोई सेल किया होगा तो ही बाय किया है। सेलर का माइंडसेट क्या है? सेलर का माइंडसेट क्या है? वो क्या चाहेगा? मार्केट में वोलेटिलिटी एकदम थम जाए, मार्केट एकदम थम जाए। मार्केट अगर थम गया या फिर थोड़ा, देखो सेलर क्या चाहेगा, या तो नीचे चला जाए, अगर नीचे चला गया तो कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं होगा, जैसे यहां पर होगा, जैसे यहां पर होगा 4200 में भी कुछ नहीं होगा, 4500 में पे ऑफ आएगा 300 का, क्योंकि जो चीज मार्केट में मिल रहा है 4500 का, हम तुमसे खरीदेंगे कितना में? 4200 में। तुम्हें को फायदा कितने का हुआ? 300 का। जो चीज मार्केट में मिल रहा है 5000 का, हम तुमसे कितना में खरीदेंगे? तो 800 का फायदा। इसके लिए मैंने प्रीमियम कितना दिया? सब में 200-200 दिया है, राइट? सब में 200-200 दिया है। सो मेरा नेट नेट प्रॉफिट कितना आया? यहां पर आया -200, यहां पर आया -200, ठीक है, यहां पर आया -200, यहां पर आया 100, और यहां पर कितना आया? यहां पर कितना आया बताओ? 600, ठीक है। बहुत कम चांस है कि छोटा टाइम पीरियड में शेयर का दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और यही गलती कर बैठते हैं हर वो ऑप्शन के बायर। आपके घर पे भी हो सकते हैं, आपके पापा मम्मी भी हो सकते हैं, आज ही आगा कीजिए, ठीक है? यस, आज ही आगा कीजिए और घर के पैसे बचाएं और सर को दे सिर्फ उसका 10% का कट, ठीक है? लेस का चिप्स कभी खाया है? हम तुमको दो ऑप्शन देता है, एक 5 रुपए का पैकेट खाली हवा, ठीक है, और एक 10 रुपए का पैकेट हवा और थोड़ा बहुत चिप्स, बताओ? सी समझो, ऑप्शन इज सो एडिक्टिव, लॉटरी का एक बेसिकली एक अच्छा वर्जन है। अगर कोई घर में बोले मैं लॉटरी खेलता हूं तो लगेगा ना कि क्या यार, को बोले मैं ऑप्शंस का ट्रेडिंग करता हूं, ओ एन जी, ठीक है, मन में आ जाता होगा नीचे मर्सिडीज, ठीक है, ऐसा नहीं है। सो बेसिकली ऑप्शन में क्या होता है, जो बायर है उसको तो लग रहा है कि पाने को पूरा आसमान है और खोने को तो कुछ भी नहीं है, बट अल्टीमेटली द सेलर इज द विनर। सेलर इज द विनर क्योंकि देर इज अ वेरी हाई, ये लिखना मत, देर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्निंग अ लो अमाउंट, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्निंग अ लो अमाउंट एंड अ लो प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्निंग अ वेरी हाई अमाउंट। चीज समझो, सारा प्रोबेबिलिटी का खेला है। जो सेलर है उसको क्या लग रहा है, शेयर का दाम या तो नीचे जाएगा, बढ़ेगा तो भी कितना बढ़ेगा भाई, 6 महीने का पीरियड में कितना बढ़ जाएगा? 4100 चल रहा है, 4400 तक तो वो कवर ही है, 4100 चल रहा है, 4400 तक तो वो पूरा कवर है, क्योंकि 4200 के ऊपर तो उसका पे ऑफ चालू होगा और 4400 के ऊपर उसका प्रॉफिट चालू होगा बायर का। तो अगर मान लो 4250 हो जाता है तो उसको 150 का प्रॉफिट है, चीज समझा? 4200 ही रहता है तो 200 का प्रॉफिट है, ठीक है ना? सो बेसिकली सेलर का माइंडसेट ये है कि वोलेटिलिटी एकदम कम हो, बायर का माइंडसेट ये है कि एकदम तूफान आ जाए। क्यों तूफान आ जाए? ऊपर गया तो बहुत बढ़िया बात है, नीचे गया तो ही इज कवर्ड, राइट? इट्स अ वोलेटिलिटी गेम, ऑप्शन इज अ वोलेटिलिटी गेम, पीपल बेट ऑन वोलेटिलिटी, ठीक है ना? जो शेयर का वोलेटिलिटी ज्यादा होगा, जैसे इंडिया विक्स से मेजर करते हैं, जो शेयर का वोलेटिलिटी ज्यादा होगा उस शेयर में तुम देखोगे ऑप्शन का प्रीमियम भी ज्यादा होगा, ठीक है? ये कॉपी हो गया, हाँ चलो नेक्स्ट एग्जांपल।
आइए अब हम लोग बात करेंगे आईटीसी का, ठीक है। आईटीसी आपका स्पॉट चल रहा है करीब करीब 420, स्ट्राइक प्राइस मैंने लिया है 400 का, ठीक है। प्रीमियम मैंने पे किया है 30 रुपीज का, ठीक है। एंड आइए मैं आपको 3 महीने का बात करता हूं, यहां पर 3 मंथ का मैंने कॉल ऑप्शन सेल किया है, ठीक है। सो बेसिकली आइए प्राइसेस देख लेते हैं एक बार, प्राइसेस आफ्टर 3 मंथ्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। सो प्राइसेस मैं लगा रहा हूं, प्राइसेस हो सकते हैं 380, 400, 420, 440 एंड 460, ठीक है। सो आइए सबसे पहले बात करते हैं पे ऑफ का, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूंगा यहां पर प्रीमियम का। प्रीमियम मैंने खाया है कि दिया है? प्रीमियम खाया है ना, क्योंकि हक क्या किया है, बेचा है। कॉल ऑप्शन बाय का मतलब क्या है, राइट टू बाय। एंड कॉल ऑप्शन सेल का मतलब क्या है, राइट टू बाय का हक बेच दिया सामने वाले को। मतलब अगर सामने वाला चाहे तो मेरे से वो शेयर खरीद सकता है एक्सरसाइज प्राइस पे, उसका हक, मेरा ऑब्लिगेशन। अगर वो चाहेगा तो मैं मना नहीं कर सकता, ठीक है ना। सो पे ऑफ बताइए, इसका पे ऑफ बताइए। प्राइस हो गया 380, तो पे ऑफ क्या होगा, जीरो, क्योंकि कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज कब होगा, जब आपका स्ट्राइक प्राइस के ऊपर होगा शेयर का दाम। मैं क्या बोला, ऊपर आने से पैसा आएगा किसको, बायर को, ऊपर जाने से पैसा जाएगा किसका, सेलर का, ठीक है ना। बट 400 के नीचे था, 400 पे भी जीरो, 420 पे मैंने क्या बोला, ध्यान सुनो, 420 में माइंडसेट देखो, 420 में माइंडसेट देखो, मैंने बोला 3 महीना बाद अगर तुम चाहो तो तुम मेरे से 400 में शेयर खरीद सकते हो। 3 महीना बाद प्राइस हो गया 420, तो जो चीज मार्केट में मिल रहा है 420 का, ऑब्वियस बात है वो अपना हक को एक्सरसाइज करेगा और मेरे से वो शेयर 400 में खरीदेगा। एंड मेरे पास वो शेयर है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मार्केट से लूंगा 420 में और मेरे को उसको देना पड़ेगा, ठीक है। सो बेसिकली यहां मेरे को 20 का नुकसान हो गया, यहां मेरे को 40 का नुकसान और यहां मेरे को 60 का, ये मेरा पे ऑफ है। बट मैंने प्रीमियम कितना लिया, 30 30 30 30 30, तो मेरा अल्टीमेटली प्रॉफिट क्या आएगा, 30 30 10, माइनस 10 और यहां पर माइनस 30। ठीक है, हाँ आइए, वोडाफोन आइडिया, ठीक है, वोडाफोन आइडिया स्पॉट चल रहा है 15, स्ट्राइक प्राइस मैंने लिया 15, मैंने किया है पी प्लस और मैंने जो प्रीमियम दिया है 1 रुपए का मैंने प्रीमियम दिया है, ठीक है, 1 रुपए का मैंने प्रीमियम दिया है एंड 1 महीना का पीरियड है। सो 1 मंथ के बाद में जो स्पॉट प्राइसेस है, स्पॉट प्राइसेस देख लीजिए, 12 13 14 15 16 17, ठीक है। अब बात करते हैं पे ऑफ का। पुट का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, पुट का मतलब क्या है, एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। पुट का मतलब है राइट टू सेल, राइट टू सेल एट द स्ट्राइक प्राइस। अगर मेरा इच्छा करेगा तो मैं ये शेयर तुमको बेचूंगा, कितना रुपए में बेचूंगा, 15 रुपए में बेचूंगा। कब बेचूंगा, 1 महीना बाद बेचूंगा। और ये हक बाय करने के लिए मैंने कितना रुपया प्रीमियम दिया है तुमको, 1 रुपया, ठीक है ना, ओके। शेयर प्राइस हो गया 12 रुपया। अगर ओपन मार्केट में जो चीज 12 में बिक रहा है एंड मैं तुमको वही चीज 15 में बेच सकता हूं तो मैं क्या करूंगा, तुमको बेचूंगा, राइट। तो ओपन मार्केट में ध्यान से सुनो,
मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास क्योंकि शेयर था नहीं बेचने के लिए, मैंने ओपन मार्केट से बाय किया एंड तुमको 15 में बेचा, तो मेरे को कितने का फायदा हुआ, यहां पर कितने का फायदा होगा, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, सबको क्लियर है? क्योंकि जो चीज मार्केट में 17 में बिक रहे हैं ऑब्वियस बात है मैं तुमको तो 15 में बेचूंगा, हो नहीं, सही है ना? पे ऑफ, उसका प्रीमियम, सब में मैंने एक रुपए का प्रीमियम दिया है, सब में मैंने एक रुपए का प्रीमियम दिया है, राइट, सब में मैंने एक रुपए का प्रीमियम दिया है, सब में मैंने एक रुपए का प्रीमियम दिया है। अब आ जाते हैं प्रॉफिट पे, यहां मेरा 2 रुपया, यहां 1 रुपया, यहां 0, यहां पर सब में -1, -1 एंड -1। पुट ऑप्शन का क्या आइडिया है चीज समझ लेना, मेरे पास ऑलरेडी वोडाफोन आइडिया का मैंने भी लिया 10,000 शेयर लिया है, 1.5 लाख रुपया करीब में मैंने 10,000 शेयर लिया है। अब मेरे को डर किस चीज का रहेगा, मेरे को डर किस चीज का रहेगा बताओ, कहीं दाम गिर ना जाए, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने पुट ऑप्शन बाय किया है कि कहीं अगर मेरा शेयर का दाम गिर जाएगा तो मेरा जो पोर्टफोलियो है इसको कौन बचाएगा, पुट ऑप्शन बचाएगा, कि भाई शेयर का दाम गिरा, पुट का दाम बढ़ा, तो अल्टीमेटली मेरा जो लॉस है वो सेट ऑफ हो गया। बट अगर मान लो ये माइंडसेट में रखता हूं तो मैंने अपना रिस्क को कम किया तो मेरा रिटर्न भी कम हो जाएगा, बिकॉज रिस्क एंड रिटर्न बोथ साइड बाय साइड, एंड रिटर्न कम कैसे हो रहा, बिकॉज आई एम पेइंग सम प्रीमियम, जी समझिए ना, आई एम पेइंग सम प्रीमियम, और ये प्रीमियम सिर्फ 1 महीने का है, अगर मान लो 6 महीने का पीरियड में मैं देखूं तो ये मेरे को 6 बार पे करना पड़ेगा रफली 1 रुपया, तो 6 रुपया तो मेरा कॉस्ट ही हो गया पोर्टफोलियो बचाने का, ठीक है ना? सो पुट ऑप्शन का मतलब क्या है, मेरे को प्रोटेक्ट करना है अपना पोर्टफोलियो को, राइट टू सेल एट अ स्पेसिफाइड प्राइस, राइट टू सेल एट अ स्पेसिफाइड प्राइस, सो अल्टीमेटली माय इफेक्टिव कॉस्ट गोज अप। जैसे मान लो अगर मैं 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करता हूं तो हो सकता है ये प्रीमियम 1 रुपया नहीं होकर 2 रुपया हो, या फिर मान लो 3 रुपया हो, सो मैं 15 में खरीदा, 3 रुपए का मैंने प्रीमियम दे दिया, मेरा इफेक्टिव कॉस्ट कितना हो गया 18, अब 18 के ऊपर जाएगा तब मेरे को पैसा आना चालू होगा, चीज समझ गया ना, ये सब चीज समझो। 15 रुपए तो मैंने शेयर खरीदा, 3 रुपए मैंने दिया पुट ऑप्शन खरीदने में, अगर नीचे चला गया तो मेरा पोर्टफोलियो बच जाएगा, अगर मान लो 0 हो गया भाई तो मेरा तो पैसा गया ना, तो वहां मेरे को कौन बचाएगा, पुट ऑप्शन बचाएगा, बट अल्टीमेटली 3 रुपए जो मेरा कॉस्ट तो बढ़ गया। अब अगर मान लो शेयर प्राइस 6 महीने बाद होता है 17 रुपया, तो अल्टीमेटली नेट नेट तो मेरा नुकसान है 1 रुपया करके, 10,000 का नुकसान है मेरे को, ठीक है ना? पुट के संग हमेशा क्या जाएगा, शेयर, पुट के संग हमेशा जाएगा शेयर, क्योंकि शेयर है बोल के पुट ऑप्शन बाय किए, एंड कॉल के संग हमेशा क्या जाएगा, कैश, कॉल के संग हमेशा कैश क्यों जाएगा, ये चीज समझो। जैसे मान लो मैंने कल परसों, हाँ कोई भी शेयर का नाम बोलो, दाम पता है तुमको 4,000 हो गया, छोड़ो, रिलायंस 3,000 के आसपास का भाव चल रहा होगा, मेरे को जहां तक लग रहा है, मैं देखा नहीं हूं, है नहीं मेरे पास, 3,000 रुपया, ठीक है? अब मेरे को यह नहीं समझ में आ रहा है कि यह दाम ज्यादा है कि कम है, बताओ तो, बताओ यह दाम ज्यादा है कि कम है, बोलो, नहीं समझ में आ रहा है ना, मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं क्या किया, मैं कॉल ऑप्शन बाय किया, मैं कॉल ऑप्शन बाय किया, मैं कॉल ऑप्शन क्या बाय किया, स्ट्राइक प्राइस दिया मैं 3,200 का, ठीक है? इसके लिए प्रीमियम मैं पेमेंट किया 3 महीने का, प्रीमियम मैं पेमेंट किया 3 महीने का 100 रुपया, ठीक है? 3 महीने का मैंने 100 रुपया प्रीमियम पेमेंट कर दिया, इसका मतलब पता है क्या है, अगर मेरा इच्छा होगा तो हम 3 महीने के बाद में रिलायंस का शेयर कितना में बाय करेंगे, 3200 में, मेरा इच्छा नहीं हुआ तो हम बाय नहीं करेंगे। इन द मीन टाइम जियो का इतना सारा मर्जर वर्जर हो रहा है, अभी रिलायंस शेयर भागीस 3600 हो गया, 3600 हो गया, समझा? इन द मीन टाइम 2800 हो गया शेयर, या फिर 2000 हो गया, या फिर 2500 हो गया, समझा? तो इन केसेस में क्या होगा पता है, मेरे को मेरा राइट परचेसिंग प्राइस मिल जाएगा। सोचो, अगर मान लो
2500 हो जाता है। मैंने पैसा कितना दिया 100। अगर मैं यहां बाय करता 3000 में, अगर मैं बाय करता तो मेरा कॉस्ट कितना आता 3000, बट मैंने 100 रुपए खर्चा कर दिया। 100 रुपए खर्चा किया, मैं पैसा लेके वेट कर रहा हूं। ऐसा नहीं पैसा का प्रॉब्लम है, मेरे पास पैसा है, मेरे बैंक में 1000 शेयर खरीदने का 30 लाख रुपए है, बट मैं वेट किया, मैं 100 रुपए खर्चा किया, थोड़ा वेट किया, अभी पैनिक है, इलेक्शन है, ठीक है ना, ऐसे करके मैं वेट किया, शेयर आया 2500 का, मैं बाय कर लिया, इसमें 100 रुपया कॉस्टिंग जोड़ दो तो कितना हो गया 2600 का, मैं बाय कर लिया। और अगर मान लो इन द मीन टाइम मर्जर फर्जर होके बढ़ गया तो यहां मेरे को फायदा है, मैं कितना स्पेंड किया था 100 रुपया, 100 रुपए स्पेंड किया तो यहां 400 का फायदा, 3200 के ऊपर जाने से बेहद चलू ना, तो 400 का फायदा और 100 रुपए मेरा कॉस्टिंग तो कितना हो गया 300 रुपया। ठीक है, दिस आर यूज ऑप्शन टू फाइंड द करेक्ट प्राइस। ठीक है, एक और एग्जांपल, अब मैं क्या किया हूं, 1p माइनस किस पे किया हूं, मैं 1p माइनस किया हूं, लेट्स सपोज किस पे किया हूं, मैं किस पे बोलो, मैं किया 1p माइनस किया, मैं HDFC बैंक पे किया मान लो, ठीक है ना, HDFC बैंक पे किया। HDFC बैंक का दाम कितना चल रहा है, हाँ जैसे मान लो मैं किया 1p माइनस HDFC बैंक पे किया और इसका दाम चला मान लो 1600 रुपया, ठीक है, मैं स्ट्राइक प्राइस लगाया 1600 का ही लगाया और मैंने जो प्रीमियम खाया, मैंने खाया 80 रुपये का प्रीमियम, ठीक है। तो अब प्राइसेस देख लो, प्राइसेस मान लो होता है 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, ये प्राइसेस है, ठीक है। तो मेरा पे ऑफ क्या होगा पहले तो ये बताओ, पी माइनस किया है मतलब नीचे जाने से डिफरेंस जाएगा, पी माइनस मतलब क्या, पुट मतलब क्या, राइट टू सेल, मैंने बेचने का हक बेच दिया, मतलब अगर सामने वाला चाहे तो वो मेरे को ये शेयर 1600 में बेच सकता है और मेरे को बाय करना पड़ेगा कितना में, 1600 में। जो चीज मैं मार्केट से 1300 में बाय कर सकता हूं, सिंस बिकॉज मैंने प्रीमियम खाया 80 रुपये का, अब मेरे को वो चीज सामने वाला से कितना में बाय करना पड़ेगा 1600 में, तो मेरे को कितने का नुकसान हो गया 300 का, यहां पर कितने का हो गया 200, यहां पर कितने का हो गया, यहां पर कितने का हो गया, यहां पर 0, यहां पर 0। प्रीमियम मैंने कितना कितना खाया 80 80 80 80 80, अल्टीमेटली हुआ क्या प्रॉफिट 220 लॉस, यहां पर 120 लॉस, यहां पर 20 लॉस, यहां पर 80 का प्रॉफिट, यहां पर 80 का प्रॉफिट, यहां पर 80 का प्रॉफिट। कॉपी कर लो इसको, कॉपी कर लीजिए इसको, यहां तक सबको क्लियर है, 10 मिनट का ब्रेक है, ठीक है।